चलिए बच्चों, लेट मी नो प्लीज आइदर ऑडियो वीडियो क्लियर, जहां तक कि सभी बच्चों की ऑडियो वीडियो क्लियर है। अब जब हम बात करते हैं बच्चों इस पेपर की, तो पूरे पेपर का नाम क्या है एक बार फिर से बताते हैं। हमारे पूरे पेपर का नाम है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, दो यहाँ पे एक वचन नहीं बहुवचन का इस्तेमाल हुआ, मतलब वर्ड क्या है उसके, सिक्योरिटीज लॉस। यहाँ पे कोई एक लॉ नहीं पढ़ना, हमें मल्टीपल लॉस पढ़ने हैं जो किसके ऊपर लागू होते हैं, सिक्योरिटीज पे। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा व्हाट डू यू मीन बाय द सिक्योरिटीज। ये जो सिक्योरिटीज शब्द है इसका बहुत सारे बच्चों को पता है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। सिक्योरिटीज वर्ड का मतलब होता है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, यूनिट्स इशूड बाय म्यूचुअल फंड। अब आप पहली क्लास है, जीरो बेसिक क्लास है, बेसिक भी नहीं है, दिस इज अ जीरो बेसिक क्लास। तो बच्चों को यही नहीं पता कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, उसके यूनिट्स क्या होते हैं। तो हम बड़ी बड़ी बातें ना करके जीरो से स्टार्ट करेंगे। आप कुछ सिक्योरिटीज पर आने के लिए हमें पहले फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ना होगा। सिक्योरिटीज तो बहुत बात की बात है, वो आप देखोगे भी थोड़ी देर बाद, सिक्योरिटीज तो बहुत बात की बात आएगी। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा इससे भी ज्यादा ऊपर जाके जीरो बेसिक। और जीरो बेसिक में बच्चों हम जब चलेंगे तो वहां पर मैं आपको लेके चलूंगी, लेकिन उससे पहले हम पेपर को पूरा समझते हैं कि हमारा जो पेपर इंस्टीट्यूट ने दिया है वो दो पार्ट में डिवाइड किया, वन इज अ कैपिटल मार्केट एंड सेकंड वन इज अ सिक्योरिटीज लॉस। ना तो अभी ये पता आपको कैपिटल मार्केट क्या होता है, ना आपको ये पता सिक्योरिटीज लॉस क्या होता है। अभी सिर्फ हमने पेपर का नाम लिया, नाम है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉस, डिवाइड किया है दो पार्ट में, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन और पार्ट टू में जब ये डिवाइड किया गया तो इसमें चैप्टर्स भी अलग अलग दिए गए। आप सेकंड पार्ट के अंदर देखोगे तो सेकंड पार्ट में इन्होंने क्या बोला है, टू प्रोवाइड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ सिक्योरिटीज लॉस, जो कि एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसका मतलब जो सेकंड पार्ट इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ने के लिए दिया है, इंस्टीट्यूट चाहती है कि जो सीएस है वो अपने कोर्स के बाद जब भी कभी लिस्टेड कंपनी में काम करे तो उसके ऊपर लगने वाले जितने भी सिक्योरिटीज लॉज हो उसकी आपको वर्किंग नॉलेज हो। क्या बोला मैंने, व्हेनेवर यू क्वालिफाई एज अ सीएस एंड यू बिकम कंपनी सेक्रेटरी एंड यू अपॉइंटिंग एज अ कंपनी सेक्रेटरी इन अ लिस्टेड कंपनी, तो आपको उन सभी कानून की जानकारी हो जो कि एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर लागू होते हैं। क्लियर या ऑल क्लियर? अच्छा, इस पेपर की खास बात समझेंगे हम, इस पेपर की हम एक खास बात यह समझेंगे कि आपने कंपनी लॉ पढ़ा, कंपनी लॉ ग्रुप वन में और ये वाला सीएमएसएल ग्रुप टू में, दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट पेपर है। अगर कंपनी लॉ की हम बात करें तो कंपनी लॉ आपके कंपनी लॉ के अंदर ये बात साफ लिखी हुई है कि यहां पर इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है एक्सपर्ट नॉलेज। क्या वर्ड यूज किया, एक्सपर्ट नॉलेज। आप यहां पर भी देखोगे इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कहने का मतलब यही है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, एकदम टू द पॉइंट आपको सभी चीजों की एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि इन फ्यूचर व्हेनेवर यू अपॉइंटिंग एज सीएस तो वहां पे आपको कुछ सोच विचार ना करना पड़े, आपको चीजों की क्लैरिटी हो। एक अपने दिमाग से एक बात बिल्कुल निकाल देना कि अगर पेपर पास करना है तो रटने की जरूरत नहीं है, पेपर पास करने के लिए आपको अपने माइंड को ब्रॉड करने की जरूरत है। पेपर बहुत आसान आता है, प्रोवाइडेड बस आप उसको जो है सही तरीके से समझ सको। तो आपको ना अपनी समझ डेवलप करनी है, समझना ज्यादा जरूरी है इंस्टीड ऑफ रटना। ये पेपर की खास बात है, या तो ये पेपर बहुत समझ में आता है या ये पेपर बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो हम पॉजिटिव लेके चलेंगे कि हम इस पेपर के ऊपर कमांड करेंगे। तो यहां पे इन्होंने जब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, इन्होंने कहा जी पहला पार्ट है टू प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग। इन दोनों शब्दों के बीच में अगर हम डिफरेंसिएशन करें तो हमें एकदम समझ में आता है कि फर्स्ट पार्ट में बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है और सेकंड पार्ट में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक एंड कंसेप्चुअल? बेसिक मतलब जस्ट ओवरव्यू अबाउट द कैपिटल मार्केट आपको पता होना चाहिए, लेकिन सेकंड पार्ट में इन्होंने डेडिकेटेड यही शब्द यूज किया कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ऐसी बात नहीं है सिक्योरिटीज लॉस फाइन सीए में नहीं पढ़ाया जाता है, सीएमए में नहीं पढ़ाया जाता, दोनों जगह पढ़ाया जाता है। लेकिन आपकी खास बात यह कि आपको 100 मार्क्स में तैयार किया जा रहा है, 100 मार्क्स में आपको जो है ये पूरा डेडिकेटेड पेपर है जो कि लिस्टेड कंपनीज से लेके सिक्योरिटीज मार्केट पे लगने वाले जो सिक्योरिटीज के ऊपर कानून है, सिक्योरिटीज इशू करने के टाइम, वो तमाम चीजें इस पेपर के अंदर दी। और ऐसी एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट की है कि वो चाहती है कि आप इस पेपर में एक एक्सपर्ट नॉलेज गेन करो। आर यू गॉट द पॉइंट? सेकंड पेपर की अगर हम बात करें ईसीआईपीएल, उसमें मल्टीपल लॉज हैं जहां पे बिल्कुल ओवरव्यू नॉलेज दी गई है। वहां पे उन्होंने एक बार नहीं बोला कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पे इस पे ग्रुप के अंदर, ग्रुप टू के अंदर आपका ये वाला पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, इन्होंने कहा जी ये बताइए, टू प्रोवाइड बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्किंग ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। यहां पे इन्होंने एक बात और बोली कि इन इंडिया की बात करिए, इंडिया में जो कैपिटल मार्केट है उसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। व्हेनेवर यू कम्स इन सीएस प्रोफेशनल तो वहां पे आपको इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाए जाएंगे, वहां इंटरनेशनल प्रोविजंस भी पढ़ाए जाते हैं। एक पेपर होता है आपका पूरा डेडिकेटेड पेपर होता है कॉर्पोरेट फंडिंग के नाम से, जहां पे कहीं ना कहीं आपको इंटरनेशनल फंडिंग भी सिखाई जाती है, जैसे कि मसाला बॉन्ड्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बहुत लंबी चौड़ी बातें मैं यहाँ पे नहीं कर रही, लेकिन इसका एक एडवांस वर्जन आपको सीएस प्रोफेशनल में भी इंस्टीट्यूट की कोशिश रहती है कि आपको वहां पे चीजें कैटर कराई जाए। अब हम यहाँ पे बिल्कुल ऐसे लेके चलेंगे जैसे मैं आपको ये समझूंगी, आप एक कोरा कागज हो, कोरा पन्ना, बस कलम और दवात से आपके ऊपर लिखना है एकदम जीरो। मैं आपको मान के चलूंगी कि आपको कैपिटल मार्केट के जीरो नॉलेज है, हालांकि आपने क्लास ट्वेल्थ क्लास इलेवंथ में कुछ ना कुछ पढ़ा है, लेकिन आई एज्यूम यू आर जीरो। एंड जीरो से हमें क्या बनना है, जीरो टू हीरो। अब देखिए बच्चों, अब हम देखिए अगर इसमें पेपर की बात करें थी कौन कौन से चैप्टर्स दिए हैं, तो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने अपने आप ही लिख दिया बेसिक्स ऑफ कैपिटल मार्केट, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट, फिर कहा जी एससीआरए, फिर कहा जी सेबी, सिक्योरिटीज मार्केट, आईएफएससी है, उसके बाद आईसीडीआर रेगुलेशन, स्वेट इक्विटी रेगुलेशन, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन, आईसीडीआर रेगुलेशन, टेकओवर रेगुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, और तमाम रेगुलेशंस की बात करी है। अब बच्चों एक बात और सुनना जरा, हम यहाँ पे कुछ एक्ट की भी बात करेंगे, जैसे कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, जैसे कि सेबी एक्ट है, जैसे कि डिपॉजिटरीज एक्ट है। समझ में आई मेरी बात, कौन कौन से एक्ट की बात करी मैंने, एससीआरए एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट और सेबी एक्ट, ठीक है। और उसके बाद तमाम रेगुलेशन हमें पढ़ने हैं, तो अभी मैं आपको इनको इंटरकनेक्ट करूंगी और सारे के सारे चैप्टर का आपको पहले दिन ये पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है और साथ में क्यों पढ़ना है, तो वो हम समझेंगे। उसे समझने से पहले हम थोड़ा सा यहां पर आते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है बच्चों, जिसने पहली क्लास अपनी कर ली, बेसिक क्लास, जिसने जीरो बेसिक, दिस इज नॉट अ बेसिक क्लास एक्चुअल में, दिस इज अ जीरो बेसिक क्लास ऑफ सीएमएसएल, बस जीरो से उठा के चलेंगे। हमने कहा जी इंडिया के अंदर दो सेक्टर होते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा होता है बच्चों बिजनेस सेक्टर। हमने कहा जी हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसके पास सेविंग्स होती है, सेविंग्स मतलब जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो पैसे कमा के लाता है, उससे खर्च करता है, घर का काम चलता है और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उनको सेव करता है। अब सेविंग करने के बाद कई सारे रास्ते होते हैं, एक रास्ता ये है कि हमने जो पैसे कमाए उसे जमीन में गड्ढा खोदे और उसमें पैसे दबा दे। तो बताओ इसका फायदा नुकसान बताइए, अगर हमने पैसे कमाए तो हम जमीन में गड्ढा खोदते हैं, डिगिंग करते हैं और उसके अंदर पैसों को जमा कर देते हैं और उसके ऊपर अपना बेड रखते हैं, उसमें सो जाते हैं। तो बताइए इसका क्या फायदा क्या नुकसान है, फायदा बताइए पहले क्या है। इसका सबसे बड़ा फायदा मैं आपको बताती हूं, इसका सबसे बड़ा फायदा ये भाई साहब कि ये जो है ना हमारे कंट्रोल में रहेंगे और यहां जितने अगर हम 1000 रुपए जमा करेंगे तो 1000 ही निकलेंगे, अगर हम 1000 जमा करेंगे 1000 ही निकलेंगे, गॉट द पॉइंट। इट मींस यहां पे हमारा कंट्रोल है पैसे के ऊपर। पर नुकसान बताओ क्या है, लाइव वाले बच्चे हाय हेलो हाय कैसे हो, बहुत बढ़िया, चलिए जल्दी बताओ इसका नुकसान क्या है कि अगर हमने जमीन में गड्ढा खोदा और वहां पे पैसे जमा कर दिए तो इसका नुकसान क्या है। मैम इसका नुकसान यह है कि जो 100 रुपए जमा करेंगे 1000 रुपए जमा करेंगे 1001 नहीं होगा, 1000 के 1000 रहेंगे। अब एक बच्चा कहने लगा मैम जी आपको एक बात बताओ कमाल की, मैंने कहा हाँ बता मैम जी, हमने गड्ढा खोदा था, हमें ना एक बहुत बड़ी सोने की जो है एक बहुत बड़ा मटका मिला था मैम, मटका, वोडी आर यू अंडरस्टैंड अबाउट द मटका, मटका ओके है मिट्टी का जो घड़ा होता है जिसे घड़ा बोलते हैं, इट मीन्स उसके अंदर मैम जी हमने अपना घर बनाया था और जैसे गड्ढा खोदा मैम जी उसके अंदर सोना ही सोना निकला और हम तो तब से बहुत अमीर हो गए। वो कहां से आया, किसी को जानकारी है, वो गड्ढा खोदा मकान बनाने के लिए बहुत सारा सोना था और वो सोना एकदम क्या हुआ निकल के आ गया और अमीर हो गए। कुछ लोग तो बताते भी नहीं है, बस ऐसा लगता है यार ये तो अभी अभी तो बहुत गरीब थे, ये अमीर कैसे हो गए, मुझे लगता है इनको हंडी मिल गई है सोने की। ऐसे ऐसी चीजें चलती हैं, अगर आपने सुनी हो, ये गांव देहात में बहुत सारी चीजें चलती है, कस्बों में चलती है। ऐसे कोई गरीब आदमी है मकान बना रहा है, अचानक से उसने बड़ा सा महल बना दिया तो यही समझ में आएगा पक्का यार इन्होंने जमीन खोदी थी और उसके अंदर से इन्हें क्या मिल गया है, माल मिला है, माल सोना ही सोना, सोना ही सोना, यस और नो। तो आप बता सकते हो वो सोना कहां से आता है, एनीबडी हैविंग एनी आइडिया अबाउट द गोल्ड, जो इतना सारे इकट्ठा सोना मिला वो कहां से आया। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, ये मैंने बताई थी और मैंने कहा था कि पुराने समय में जो महिलाएं होती थी उनके पास काफी ज्यादा गोल्ड की ज्वेलरीज होती थी और उनको पता ही नहीं होता था, और पहले टाइम में वार्डरोब्स अलमीरास तो थी नहीं,
पहले तो अलमीरा बनानी पड़ती थी, जमीन खो तो अलमीरा बन गई सेट। अब क्या है कि जैसे महिला जो है अपने घूमने के लिए अपने घर पर जा रही है ना, अपने ससुराल से अपने घर जा रही है, तो अब वो अपनी ज्वेलरी कहाँ कैप्ट करके जाए, रास्ते में लूट भी हो जाती है, तो वो क्या करती थी, जमीन में गड्ढा खोदा और उसके अंदर जो है अपनी ज्वेलरी स्टोर करके चली गई। लेकिन अब होता क्या था, क्या बार महिला वापस नहीं लौट के आई या कोई दिक्कत हो गई या वो भूल गई, क्योंकि ज्वेलरी इतनी ज्यादा होती थी वो भूल गई, उसने दो चार हार निकाले और उसके अंदर स्टोर कर दिया और वो भूल गई। भूलने के बाद उसके ऊपर एक घर और बन गया, दो घर और बन गया, फिर उसके बाद चौथी पीढ़ी ने क्या किया, वहां पे समरसेबल करवाया। समरसेबल लगभग 100 फीट पे होता है, किसी के यहाँ 200 फीट पे होता है। तो जब समरसेबल डिगिंग करी तो उसके बाद उसमें से वो गोल्ड निकल के सामने आया, तो वो किसी और का नहीं होता था, वो हमारे पूर्वजों का था और वो किस्मत से जो है मिल जाता है। इसी तरीके से अगर हम भी, हमारी पीढ़ी भी, हमारी जनरेशन भी वो पैसे इकट्ठे करें और नीचे जमीन में दबा दे, तो बताइए क्या होगा उस पैसे का, कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब समय चेंज हो चुका है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो, पुराने समय में बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बारे में पता होगा आपको, बार्टर सिस्टम में मतलब सामान के बदले सामान चलता था, ठीक है। तो सामान के बदले जो सामान चलता था उसे बार्टर सिस्टम बोलते थे, तो कैश का तो सिस्टम ही नहीं था। कैश का सिस्टम तो अब आके चला है, अब आके बढ़ा है धीरे धीरे, जब इंडिया के अंदर करेंसी फ्लक्चुएशन, करेंसी रेगुलेशन ज्यादा हुआ तो कैश सिस्टम चला। अभी भी आप अगर कहीं कहीं कुछ कुछ जगह ऐसी है जहां वहां अभी भी बार्टर सिस्टम चलता है। छोटे बच्चे तो बार्टर सिस्टम ही चलाते हैं, तो मेरी गाड़ी ले ले, मुझे बदले में अपना खिलौना दे दे, तो आज भी बार्टर सिस्टम चलाते हैं। तो इट मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम अपना सारा का सारा पैसा जमीन में दबा भी दें, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये भाई और बहना, जितना पैसा है वो उतना ही रहेगा, उसमें एक रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा। क्लियर या ऑल क्लियर? अब मुद्दा ये उठता है, तो उस पैसे का क्या किया जाए, मैम क्या करें उस पैसे का? हमने कहा देखिए, अब जो समय है वो 1991 के बाद हमारे देश के अंदर एक नया परिवर्तन आया था, ये बदलता हुआ भारत है, ये नया भारत है, और इसमें जो है बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है। पहले आपने देखा था एक नारा लगाते हैं, और ये नारा बिल्कुल सही है, और इस नारे में बहुत दम है। अगर आपने सुना भी हो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अब जय बिजनेसमैन भी होने लगा। ये तीन चीजें तो हम मानते ही हैं, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, है ना, और अब जय बिजनेसमैन, क्योंकि ये चारों चीजें, अब चार चीज पे हमारा जो है भारत टिक गया है। जवान की हमें बिल्कुल जरूरत है, वो हमारी सुरक्षा करते हैं, और जिस गवर्नमेंट ने भी उनसे दगा करी उनको धोखा मिला, उनको वोट ही नहीं मिली। आप जानते हो सबसे पहले हमें जवान की प्रोटेक्शन करनी होती है, फिर जिनकी वजह से हम जीवित हैं, जिनकी वजह से हमें अन्न मिलता है, हमें किसान के बेसिस पे हमारा देश चलता है, तो हमें किसान का ध्यान रखना पड़ता है। विज्ञान आप जानते ही हो, मिसाइल तोप और एटम बम सब चीजें चाहिए, नहीं तो कोई भी हमें उड़ा के चला जाएगा। इसी के साथ अब बिजनेस को भी प्रमोशन मिल रहा है, और बिजनेस को जो हमारी गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, तो उसमें मुद्दा ये है कि बिजनेस तो सब करना चाहते हैं, लेकिन बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा। और अपने पैसे से अगर हम बिजनेस करना चाहें तो बिजनेस का स्केल हमेशा छोटा ही रहेगा, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप तक आप कर सकते हो। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बिजनेस एट अ लार्ज लेवल एट अ बिग स्केल, देन इट इज नॉट पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ पर्सनल फाइनेंस। यहां पे आपको लोगों से पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो इट मींस एक हमारा कौन सा सेक्टर है, बिजनेस सेक्टर, और एक हमारा कौन सा सेक्टर है, हाउसहोल्ड सेक्टर। हाउसहोल्ड सेक्टर के पास भाई और बहनों क्या रहता है, जरा बताना, एक्सेस फंड्स रहते हैं। हाउसहोल्ड सेक्टर के पास क्या रहते हैं, एक्सेस फंड्स रहते हैं, और बिजनेस सेक्टर को पैसे की जरूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं सरप्लस फंड। सरप्लस फंड किसके पास जाते हैं, जिसको पैसे की जरूरत है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिक्वायर्ड फंड। क्या बोलते हैं, जरा बताना, रिक्वायर्ड फंड। इट मीन्स सरप्लस फंड किसके पास होता है, बताओ जल्दी से, सरप्लस फंड किसके पास है, हाउसहोल्ड सेक्टर के पास, और रिक्वायर्ड फंड किसको जरूरत है, बिजनेस सेक्टर को। अब मुद्दा ये उठता है, जी सुनो ध्यान से सुनो, हुआ बच्चों क्या कि आपका नाम क्या है दीदी, सॉरी क्या नाम है आपका, संगमा। अच्छा, यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा जिसे हिंदी समझ में आती हो, इंग्लिश ही समझ में आती हो, शायद ऊपर की क्लास में है वो बच्चे, तो ठीक है। अब सुनो मेरी बात सुनो, सबको हिंदी समझ में आती है, इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश भी समझ में आती है, और इंग्लिश समझ में आती है, इंग्लिश भी समझ में आती है, चलो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब मैं आपको जो बताने जा रही थी, मैं ये कह रही थी कि संगमा है ना आपका नाम, अ ब्यूटीफुल नेम इज संगमा, संगम बोल दो प्यार से, मैंने इनका नाम संगम रखा। संगम ने बहुत पैसे जोड़े, बहुत पैसे इकट्ठे किए, और इनके पास फिलहाल 10 लाख रुपए हैं। और उसी के साथ आपका नाम क्या है,
सुप्रिया, वाओ, सुप्रिया इज इंटरेस्टेड टू स्टार्ट देयर ओन वेंचर ओन बिजनेस, तो इनको पैसे की जरूरत है। अब बताइए संगम सुप्रिया से कैसे मिले? संगम को अगर सुप्रिया से मिलना है तो क्या किया जाए? संगम रहती है दिल्ली में और सुप्रिया रहती है मुंबई में, तो अब संगम प्लेन पकड़ के सुप्रिया के पास कैसे जाए? क्या इनके सपने में ये बात आई है कि सुप्रिया को पैसे की जरूरत है? ये गाना गा रही मेरे ख्वाबों में जो आए, मतलब ये ख्वाब थोड़ी ना आएंगे, ऑब्वियस सी बात है इनको, इनके पास एक्स्ट्रा फंड और इनको पैसे की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में भाई और बहनों अब इस एग्जाम्पल को यही स्टॉप करते हैं और मैं दूसरे एग्जाम्पल देती हूँ। आप देखते हो आप सभी के घरों में सब्जियां बनती है, सब्जियां बनती है तो वो कहीं ना कहीं से सब्जी आती भी है। वो सब्जी कहां से आती है? वो सब्जी मंडी से आती है। सब्जी मंडी में आपको तीन लोग नजर आते हैं। तीन लोग कौन कौन? एक तो मार्केट होती है, एक मार्केट में जो सब्जी बेचने वाला है वो वेंडर होता है, एक जो सब्जी खरीदने जाता है वो परचेजर होता है। आई एम राइट और रॉन्ग? तीन लोगों की जरूरत है। वहां पे एक मार्केट होती है, उस मार्केट में लोग जाते हैं, एक खरीदने वाला होता है और दूसरा बेचने वाला होता है। अब अगर यहां पे संगम जो है ये ऐसा करे कि एक बाइसिकल ली और बाइसिकल में एक बड़ा सा थैला लिया, उसमें पैसे रख लिए 10 लाख रुपए और लेके घूम रही है गली गली में, भाई किसी को पैसे की जरूरत है क्या? भाई किसी को पैसे की जरूरत है क्या बिजनेस के लिए? बताओ क्या होगा? दूसरे घर में कोई भी पैसे लूट के भाग जाएगा। यस और नो? इसका मतलब अब जिसको पैसे की जरूरत है और जिसके पास पैसा है वो रिक्वायर्ड फंड जिसको है सरप्लस फंड रिक्वायर्ड फंड के पास पहुंचना चाहिए कि नहीं पहुंचना चाहिए? भाई और बहनों जल्दी बताइए, क्या ये जो सरप्लस फंड है ये किसके पास जाना चाहिए? रिक्वायर्ड फंड के पास। तो ये खुद तो नहीं जा सकता, तो इसके लिए बच्चों एक सिस्टम होता है। इसके लिए क्या होता है? एक सिस्टम होता है और उसी को बोलते हैं फाइनेंशियल सिस्टम। क्या बोला मैंने जरा बताना जरा से? फाइनेंशियल सिस्टम। जिस भी देश का फाइनेंशियल सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा वो कंट्री उतनी स्ट्रांग होगी। क्योंकि मान के चलिए इनके पास एक्स्ट्रा फंड है लेकिन इनके जिसको पैसे की जरूरत है उसे समय पर पैसा नहीं मिलेगा तो वो अपने बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा पाएगा। इसी वजह से नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं इस पे। किस पर? फाइनेंशियल सिस्टम। अब देखिए प्रॉब्लम समझिए, जरा ध्यान से प्रॉब्लम समझिए। हमने कहा ये जो बिजनेस सेक्टर है, ये बिजनेस सेक्टर कौन कौन हो सकता है? जितने बड़े लेवल पे बिजनेस करोगे उतने बड़े लेवल पे फंड्स की जरूरत होगी। आई एम राइट और रॉन्ग? कम ऑन रिप्लाई। जितने बड़े स्केल तो समझते हैं ना, जितने बड़े स्केल पे बिजनेस करोगे उतने ज्यादा फंड्स की जरूरत होगी। इसी क्लास से पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना आपका वो इसी क्लास पे डिपेंड है। जिस बच्चे ने इस क्लास को ध्यान से सुन लिया आखिरी दिन जिस दिन क्लास होगी उस दिन तक कनेक्ट कर पाओगे। हमने कहा जितना बड़ा स्केल होगा उतना ज्यादा पैसे की जरूरत होगी। जैसे हमने कहा जी ओपीसी है जी, ओपीसी, ओपीसी मतलब वन पर्सन कंपनी। यहां पे स्केल मीडियम है, लार्ज है, स्मॉल है, ऑब्वियस ही बात है स्मॉल है। तो क्या इनको जो काम चल जाएगा वो बैंक से चल जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चल जाएगा? उसके बाद हम प्राइवेट कंपनी की बात करते हैं। प्राइवेट कंपनी, आप मुझे बताइए जितनी भी कंपनीज होती है प्राइवेट फॉर्म में, जो कंपनीज होती है ऑर्गेनाइज फॉर्म में, जो प्राइवेट कंपनीज होती है, इसमें दो लोगों की जरूरत पड़ेगी। किस किस की? एक तो थोड़े से मेंबर्स की, थोड़े से मेंबर्स की मतलब मेंबर्स की जरूरत होगी, जिसमें कि जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हो मेंबर्स की अगर हम बात करें तो मेंबर्स के रिगार्डिंग में आप सभी बच्चे जानते हो कि प्राइवेट कंपनी जो है वो भी बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे काम नहीं करती और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 मेंबर्स होती है, साथ में बैंक की और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। यस और नो? और उसी के साथ साथ अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो जो पब्लिक कंपनी होती है तो बड़े स्केल पे काम करती है और उसे फंड्स की ज्यादा जरूरत पड़ती है। यस और नो? तो उसे बैंक से भी पैसा चाहिए, आम जनता से भी पैसा चाहिए। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? सो हम कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं, आप जरा यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि जब हम बिजनेस सेक्टर की बात करते हैं तो बिजनेस सेक्टर में हमें देखना होता है किस लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं। जिस तरीके का लेवल होता है उसी के अकॉर्डिंग फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे हमने कहा कि ये जो रिक्वायर्ड फंड है इसे हम, जो फंड को लेता है उसे हम इश्यूअर बोलेंगे टेक्निकल भाषा में। क्या बोलेंगे? इश्यूअर। अब मुद्दा ये उठता है कि ईश्वर के ऊपर विश्वास कैसे किया जाए, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं बिजनेसमैन पे विश्वास कैसे किया जाए। अब बिजनेसमैन पे विश्वास तो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? कि मान के चलिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी को पैसा दिया और मिस्टर बी ने कहा कि मैं तेरा 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 और 8 से 16 करूंगा,
क्या बोला इसने, एक से दो, दो से चार, तू मुझे एक रुपए दे मैं तुझे दो रुपए दूंगा, तू मुझे दो दे मैं तुझे चार दूंगा, तू मुझे चार दे मैं तुझे आठ दूंगा, तू मुझे आठ दे मैं तुझे 16 दूंगा। अब भैया बी को तो ये बात दिमाग में सेट होगी, जी ललचाए और रहा ना जाए। और आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, छोटी क्लास में आप जरूर पढ़ के आए होंगे, अगर आपने पढ़ा है तो आपने कहानी पढ़ी होगी, लालच बुरी बला है ना। और यहां पे ये लालच दिया रहा है, लालच कैसा दे रहा है कि दो के चार ले ले, आज दो रुपए दे कल चार ले ले, चार के आठ, आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस, बत्तीस के चौसठ। हाँ कि हाँ कि ठीक है भैया, उसके दिमाग में बात सेट होगी, उसने अपनी सारी सेविंग उठा के बिजनेस सेक्टर को दे दी। अब बिजनेस सेक्टर, भाई साहब बिजनेस सेक्टर ने बिजनेस में पैसा लगाया, और बिजनेस सेक्टर में जैसे ही पैसा दिया मिस्टर ए ने, उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये उसका, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अब यहां पे बिजनेस सेक्टर को जब पैसा दिया तो उसने कहा राम राम जपना और पराया माल अपना। क्या बोला मैंने जरा बताना, कि राम राम जपना और पराया माल अपना। भाई मिस्टर ए ने तो बड़ी मुश्किल से पैसे बचाए थे, अब मिस्टर ए जो है वो बद्दुआएं दे रहा है, तू नरक में जाए, तू कढ़ाई में पके, तेरे पैसे हजम ना हो, इस तरीके की चर्चा कर रहा है। और करे भी क्यों ना, करे भी क्यों ना, क्योंकि भैया उसने तो अपनी मेहनत की कमाई से, अपने बच्चों के पैसे से पैसा बचा के इस बिजनेस सेक्टर को दिया। क्या इस व्यक्ति ने जो बिजनेस कर रहा है, जिसने लोगों से पैसे लिए और उनको रिटर्न बैक नहीं किए, क्या उसने सही किया? क्या ऐसे लोगों पे कंट्रोल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा एक बात और सुनिए, हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, कि हमारे यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम समझिए, हालांकि मैं कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज लॉज का पेपर पढ़ा रही हूं एज ए प्रोफेशनल, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई भी डेडिकेटेड कोर्स स्टॉक एक्सचेंज शेयर से है ही नहीं कनेक्टेड। और इसी के वजह से जब भी कभी कोई शेयर में पैसा लगाते तो पहली बात यही आती है, डूब जाएंगे है या नहीं है बताइए। जब भी कभी शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है सिक्योरिटीज में, शेयर्स के नाम से ही कहते हैं, आप किसी से आम आदमी से कहो मुझे शेयर में पैसा, ओ भैया पैसे डूब जाएंगे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहां पे जो पैसा लगाया जाता है वो अपनी नॉलेज के बेसिस पर नहीं, दूसरों से पूछ के लगाया जाता है, क्योंकि यहां कोई स्पेसिफाइड कंटेंट नहीं है, कोई स्पेसिफाइड कोर्स नहीं है। वो तो बहुत अच्छी बात है कि इंस्टीट्यूट ने हमारे यहाँ पे 100 मार्क्स का पेपर एक इंसर्ट कर रखा है, जिसकी वजह से जो बच्चे सीएस करते हैं उनको कहीं ना कहीं चीजों की पकड़ हो जाती है, नॉलेज हो जाती है, लेकिन पैसा वो भी नहीं लगाते अपना, वो बस काम की बातें समझते हैं और कंपनी के ऊपर जो लॉज लगते हैं वो कहते हैं लॉ की हमें बहुत अच्छी नॉलेज है, बट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आई एम अ कंप्लायंस ऑफिसर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। तुम्हारा मन करे तो तुम किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, और मन ना करे तो मत करो, क्योंकि यहां पर साफ साफ लिखा रहता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, बस यही बोल देते हैं, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, और मार्केट रिस्क क्या होता है, वो रिस्क ही रिस्क है। आर यू गॉट द पॉइंट? अब सबसे बड़ी दिक्कत बताइए क्या आई हमारे देश के सामने, सबसे बड़ी दिक्कत ये आई कि अब हमारे यहाँ पे जो शेयर्स का काम चला था ना, वो मुंबई के अंदर बनियान ट्री के नीचे बैठ के लोगों ने स्टॉक का काम स्टार्ट किया था, जो आज की डेट में बीएससी एनएससी दिखाई देती है ना, वो एक बनियान ट्री के नीचे बैठ के बिजनेस का काम स्टार्ट हुआ था। मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी, बैक हिस्ट्री से बताऊंगी, लेकिन मुद्दा ये उठता है भाई, सबसे बड़ी बात है विश्वास की, पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं है कि हम अगर अपना पैसा किसी को दे तो वो रिटर्न बैक होगा या नहीं होगा। अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, ऐसी स्थिति में जो फाइनेंशियल सिस्टम है, फाइनेंशियल सिस्टम किसे बोल रहे हैं हम बताइए जल्दी से, फाइनेंशियल सिस्टम हम किसे बोल रहे हैं? फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब है एक ऐसा सिस्टम जिसको पैसे की जरूरत है और जिसके पास एक्सेस फंड है, वो पैसा उस तक जा सके, उसे क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल सिस्टम। अच्छा सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, यूनिवर्सल सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, इसी तरीके से फाइनेंशियल सिस्टम है जो कि एक अरेंज करे हुए एक मेथड से काम करे, सही दिशा में काम करे। सो जब हम फाइनेंशियल सिस्टम की बात करते हैं बच्चों, तो यहां पे जो है फाइनेंशियल सिस्टम को मतलब जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और जिसके द्वारा पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, इन सब पे कंट्रोल करने की जरूरत थी। इन्होंने कहा जी हम तो अब हमारा देश जो है ना, किसान तो हम है ही, ये बात तो फैक्ट है, ये तो इस बात से तो हम कभी भी डिनाई नहीं कर सकते कि हमारा देश कृषि प्रधान देश नहीं है, कृषि प्रधान और पुरुष प्रधान देश है, लेकिन अब हम बिजनेस की ओर बढ़ चुके हैं, क्योंकि ये भारत कौन सा भारत है? बदलता भारत है। 1991 के अंदर जब इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि अब एक काम करना पड़ेगा, कि क्या? अब हमें शिकंजा कसना पड़ेगा और हमारे यहां पे एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो फाइनेंशियल सिस्टम को कर्व करे, कंट्रोल करे। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल सिस्टम को, डेडिकेटेड जो फाइनेंशियल सिस्टम को क्या करे? कर्ब करे, और साथ में क्या करे? कंट्रोल करे। कह रहे लगे जी ये बात है कि हाँ बिल्कुल ये बात है, तो चलो एक काम करते हैं, फिर
इसके लिए एक बॉडी का गठन करते हैं, और सबसे पहले इसको एक कानून बनाना पड़ेगा कि कानून बनाना पड़ेगा कि चलिए जी 1992 में एक एक्ट पारित कर देते हैं, कि एक्ट पारित कर देते हैं कि एक्ट का नाम क्या रखोगे। एनीबॉडी हैविंग एनी आइडिया, बताओ जल्दी से 1992 में कौन सा एक्ट पास हुआ था? सच्चे सच्चे बताइए। हाँ जी, हाँ जी, 1992 का एक्ट बताइए कौन सा पास हुआ था। कौन बच्चा बताएगा 1992 में कौन सा एक्ट पास हुआ है? कौन बच्चा बताएगा 1992 में कौन सा एक्ट पास हुआ है? एनी आइडिया, एनी गैस? गैस भी है मैम, सिलेंडर भी है, सब कुछ। अच्छा जी, सुनो जी बच्चों, ध्यान दो, ध्यान दीजिए। सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी एक्ट 1992 के अंदर पास किया गया। सेबी का एकमात्र उद्देश्य है कि प्रोटेक्शन देना। किसकी प्रोटेक्शन देना? वे जो हाउसहोल्ड सेक्टर है ना, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई, अपनी सेविंग्स जो मार्केट में लगाई है, उनका प्रोटेक्शन होनी चाहिए, जिसे हम इन्वेस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको पेपर को पढ़ने के लिए पेपर के जीरो से उठाना पड़ेगा, तब जाके दिमाग में चीजें सेट होंगी। अगर दिमाग में चैप्टर्स के फ्रेमवर्क तैयार हो गए ना, तो कई बार क्वेश्चन जो आता है ना एग्जाम में, तो क्लास में जो चर्चा होती है, क्लास में जो पढ़ाया जाता है, क्लास में जो इतनी सारी थोरो स्टडी होती है, उसके बेसिस पर भी पेपर सॉल्व हो जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट? अब सुनो मेरी बात, अगली बात सुनो ध्यान से। इट मींस 1992 में एक पहल हुई कि एक काम करते, एक एक्ट पारित करते हैं जिसका नाम क्या रखा गया? सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट 1992 का क्या काम है कि सेबी जो है, गवर्नमेंट कहने लगी कि सेबी कि हां कि तेरी एक जिम्मेदारी है कि क्या, कि तेरी एक जिम्मेदारी है कि क्या जिम्मेदारी है कि तुम्हें जितने भी इन्वेस्टर्स है ना, इनके राइट की प्रोटेक्शन करनी है। सेबी कहने लगी जी बिल्कुल करूंगा। कि दूसरी जिम्मेदारी सुनो कि क्या है सर, कि ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये डायरेक्टली पैसा निवेश नहीं करते, ये इंटरमीडियरीज के थ्रू निवेश करते हैं। किसके थ्रू? इंटरमीडियरीज। इन पे शिकंजा कसना पड़ेगा, इनका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इनको रेगुलेट करना पड़ेगा कि सर जी चिंता ही मत करो, कर देंगे। कि एक बात और सुनो, आपको एक काम और करना पड़ेगा कि क्या, कि आपको ये मार्केट डेवलप करनी पड़ेगी। कि सर चिंता ही मत करो, करेंगे। अब यहां पे सेबी कहने लगी सर कि क्या, कि सर आपने मुझे जिम्मेदारी बहुत बड़ी बड़ी दे दी। कि बड़ी बड़ी जिम्मेदारी? कि बिल्कुल सर, मैं कैसे प्रोटेक्शन करूंगा इनकी, क्योंकि किसी की रक्षा करने के लिए मेरे पास ना अस्त्र है और ना ही शस्त्र है। तो यहां पे बोला गया कि सेबी कि जा, तू जी ले अपनी जिंदगी, तुझे अस्त्र भी दिए जाएंगे और साथ में शस्त्र भी दिए जाएंगे। तो यहां पे सेबी का, अब सुनना ध्यान से, सेबी को कहा कि तुम्हें अस्त्र भी दिए जाएंगे और तुम्हें शस्त्र भी दिए जाएंगे। कि मैम व्हाट डू यू मीन बाय द अस्त्र? कि अस्त्र का मतलब है कि आप अपने कानून खुद बना सकते हो। इट मींस सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। है मैम? हां, जो कि हमें पूरा का पूरा पार्ट टू पढ़ना है। सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ओन रेगुलेशंस। आर यू गॉट द पॉइंट? दूसरी बात सुनो, सेबी कहने लगी सर मैंने अपने कानून बनाए और मान के चलिए मेरे कानून का किसी ने पालन ही नहीं किया। तो यहां पे कहते हैं कि तू चिंता मत कर, कि क्या, कि हम तुम्हें अस्त्र भी देंगे तो साथ में शस्त्र भी देंगे। कि शस्त्र मतलब कि जब जब तुम्हें ऐसा लगेगा, इफ एनी कंपनी, एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी इश्यूअर, एनी इंटरमीडियर इज नॉट टू फॉलो द प्रोविजंस एंड नॉट टू फॉलो द रेगुलेशंस ऑफ सेबी, यू हैविंग अ पावर टू इम्पोज अ पेनल्टी। यू नो वेरी वेल सेबी इज अ क्वाशी जुडिशियल बॉडी एंड सेबी हैविंग थ्री पावर्स। याद है आपको, सेबी के पास तीन तरीके की पावर होती है। सेबी के पास लेजिस्लेटिव पावर होती है, सेबी के पास एग्जीक्यूटिव पावर होती है, और सेबी के पास जुडिशियल पावर होती है। जानते हो इस बात को? इन्होंने कहा सेबी तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। अगर कोई भी तुम्हारे कानून का पालन नहीं करेगा, कानून का उल्लंघन करेगा, देन इन दैट सिचुएशन यू हैव अ पावर टू इम्पोज अ पेनल्टी, टू पुट बिहाइंड द बार्स। आप उनको सजा के प्रावधान दे रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, उनको रोक लगा सकते हैं। अब से भी यहां पे क्या हो गई, खुश हो गई। आपके यहां पे जो चैप्टर इंट्रोड्यूस किया, चैप्टर नंबर 4 बोला सेबी एक्ट 1992। इन्होंने कहा सर जी सेबी तो ठीक है, लेकिन अगर सेबी की बात से कोई संतुष्ट नहीं है और सेबी को गलत ठहराना चाहते हैं, तो कहने लगे चिंता मत करो, इसकी अपर बॉडी भी इसके अंदर ही डाल देंगे। दैट इज नोन एज सैट। सैट का मतलब होता है सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्राइब्यूनल। क्या बोला मैंने? सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्राइब्यूनल। जब जब सेबी का चैप्टर पढ़ेंगे, तीन चीजें पढ़ेंगे सिर्फ। सबसे पहले सेबी क्या है, सेबी के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उनकी पावर, सेबी की पावर्स क्या क्या, पनिशमेंट कैसे कैसे दे सकती है, और सेबी की अपलेंट बॉडी, दैट इज नॉन एज सेट। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? तो आपको ये समझ में आया कि सेबी एक्ट क्यों बनाया गया? क्योंकि हम इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जीतना चाहते थे। यू नो वेरी वेल जो इन्वेस्टर्स है ना,
इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं, इन्वेस्टर्स ये कहना चाह रहे हैं कि सर हमें ना सबसे बड़ी चीज, हम पैसा देने में हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए। और अगर किसी एक इन्वेस्टर का पैसा डूबेगा तो वो 10 लोगों से बोलेगा, भाई अपने पैसे को जमीन में दाब देना, लेकिन शेयर्स में मत लगाना। भाई तू अपने पैसे को घर ले लेना, पैसे से प्लॉट ले लेना। भाई अपने पैसे से ज्वेलरी खरीद लेना, लेकिन तू सिक्योरिटीज मार्केट में पैसे मत लगाना। भाई धोखा हो गया मेरे साथ, धोखाधड़ी हुई, मेरे शेयर्स धड़ाम गिरे। एक दिन पहले मेरे शेयर की कीमत थी 1500, अगले दिन देखा स्टॉक मार्केट खुली, मेरे शेयर की कीमत थी 100 रुपए। भाई मैं तो सिर पकड़ के रोने लगा। मैंने कहा हे भगवान, जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी के साथ होना नहीं चाहिए। अगर इस तरीके की स्थिति हमारे देश के अंदर ज्यादा बनेगी तो बताओ सिक्योरिटीज मार्केट में पैसा कौन लगाएगा? कोई भी नहीं लगाएगा। अब मुझे अपने मन में सोचो, नो नीड टू रेटिफिकेशन, नो नीड टू रेटिफिकेशन, दिस इज अ प्रोफेशनल कोर्स। मैं कितना भी कुछ कर लूं, लेकिन आपके दिमाग में जब तक खुद के, आप देखो हमारा जो दिमाग होता है ना, जो हमारा माइंड होता है, जो हमारा ब्रेन होता है, आप जो आज चीजें पढ़ रहे हो, एक ना ब्रांचिंग कैपेबिलिटी होती है। क्या शब्द बोला मैंने? ब्रांचिंग कैपेबिलिटी। ब्रांचिंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे आप इस पेपर की शुरुआत कर रहे हो तो मैं ना आपके ब्रांचेस निकाल दूंगी, तो आप क्या करोगे उससे कोरिलेट करके कंट्रोल करोगे चीजों को, तभी तो आपके दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। यस और नो? अगर मैं आपकी ब्रांचिंग कैपेबिलिटी क्रिएट नहीं करूंगी तो आपका जो माइंड है ना वो स्लो हो जाएगा, और वो बस उतनी चीज पढ़ेगा जैसे कि नॉर्मल तरीके से पढ़ते हैं। जी ये तुम्हारे चैप्टर है, जी पहला चैप्टर ये, दूसरा चैप्टर ये, खत्म। लेकिन जब तक मैं इसको क्या नहीं करूंगी, इंटरकनेक्ट नहीं करूंगी, तब तक आपको ना तो पढ़ने में मजा आएगा ना आपकी ब्रांचिंग कैपेबिलिटी डेवलप होगी। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी? अब मुझे ये बताइए, सेबी को क्या पावर दी गई और क्यों पावर दी गई? पहले मुझे बताओ सबसे ज्यादा कंट्रोल किसे करने की जरूरत है? कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। सबसे ज्यादा कंट्रोल किसे करने की जरूरत है? जिसके पास पैसा जा रहा है। बताइए सबसे ज्यादा कंट्रोल किसे करना पड़ेगा? जिसके पास पैसा जा रहा है। पैसे इकट्ठा कौन कर रहा है? ईश्वर। मैंने क्या बोला? पैसे इकट्ठा कौन कर रहा है? ईश्वर, इन द फॉर्म ऑफ या तो कोई कॉर्पोरेट है, गवर्नमेंट है, कोई भी है। जो पैसा इकट्ठा कर रहा है उसको सबसे ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है। आई एम राइट और रॉन्ग? और कंट्रोल करने की पावर किसको दी? सेबी को। अब सेबी कहने लगी, सर जी मैं इतने सारे कंट्रोल कैसे करूंगी? तो सेबी को क्या बोला कि जा सिमरन जा, तू जी ले अपनी जिंदगी। क्या पावर दी जरा बताना, एक बार जोर से बता दो। सेबी हैविंग अ पावर टू मेक देयर ऑन, बोल दो ना क्या, ऑन रेगुलेशंस। रेगुलेशंस बनाने की पावर है, इसीलिए सेबी को रेगुलेटरी बॉडी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या एक बात से संतुष्ट हो? हाँ जी मैम, बिल्कुल 100%। सच्ची में। अब सुनो, अब वापस चलेंगे, अब जरा सुनना, ध्यान देना। अब देखिए, इधर आइए। अब हमने कहा जो फाइनेंशियल सिस्टम है, अभी सिक्योरिटीज मार्केट तो बहुत दूर की बात है, यहां से 200 किलोमीटर दूर है अभी सिक्योरिटीज मार्केट। लंबा सफर तय करके सिक्योरिटीज मार्केट पे जाना है। जब तक तुम्हारा जीरो बेसिक क्लियर नहीं होगा ना, तुम बस ये चैप्टर में पढ़ाओगी ना, बच्चों एससीआरई निकालिए, मैम जी सीआईपीएल में, हाँ कंफ्यूज हो जाओगे, तुम्हें यही नहीं पता चलेगा किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर है। जो बच्चा सीएसडब्ल्यूटी पास करके सीधा एग्जीक्यूटिव में आता है वो बोलता है मैम ईसी ग्रुप वन की क्लास चल रही है, मैम पीएमएलए पढ़ना है। अरे भाई पीएमएलए ग्रुप टू का पेपर है, उसे यही नहीं पता ग्रुप वन में क्या है, ग्रुप टू में क्या है। मैं आपको ये नहीं समझा रही ग्रुप वन में कौन से पेपर है, ग्रुप टू में कौन से पेपर है, लेकिन जिस पेपर को आप पढ़ने, कम से कम चैप्टर का नाम देख के तो पता लगा लो किसका है। आई एम राइट और रॉन्ग? जैसे मैं अभी एक एग्जाम्पल देती हूँ, और जो बच्चे अभी बिल्कुल नए नए हैं वो जरा मुझे बताना कि ये पेपर सीएमएसएल का है या सीआईपीएल का। देखो यही हैंस प्रूफ करेंगे, मैथ्स तो तुमने बहुत पढ़ा, वो बात लगती नंबर कमाए। लेकिन आप सुनो जरा, मैं आपको एक चैप्टर का नाम बोलूंगी और आप मुझे बताना वो कौन से पेपर में हो सकता है। मैंने कहा जी रेरा, जिसे पता है वो नहीं, उसे कसम है विद्या की, रेरा रियल एस्टेट एक्ट, रियल एस्टेट रेगुलेशन। आपने पहले पढ़ाई सीआईपीएल? मुझसे पढ़ा नहीं, गड़बड़ करी आपने, आपको नहीं बताना चाहिए। जो नए बच्चे जिन्होंने पढ़ाई नहीं, अच्छा मैं दूसरा नाम लूंगी कंज्यूमर एक्ट। सीएमएसएल में होना चाहिए, ईसीआईपीएल में? कंज्यूमर एक्ट बता दे बेटा, आप बता दो, कंज्यूमर एक्ट ईसीआईपीएल में होना चाहिए सीएमएसएल में? सीएमएसएल में। इसी चीज के पैसे नहीं तो हम भी आपके जैसे हैं। आज की क्लास के बाद आप खुद ही बता दोगे किस पेपर में होना चाहिए। इसे ही कहते हैं जीरो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना, ठीक है बेटा? चलिए, पैसे वसूल हो जाएंगे तुम्हारे। सुनो आप, ध्यान दो मेरी बात पे। हमने कहा व्हाट डू मीन बाय द फाइनेंशियल सिस्टम, सिंगल क्लास में जस्ट टू इंटरलिंक द ऑल चैप्टर्स। हमें एक ही क्लास में ऑल चैप्टर्स को क्या करना है, आपस में इंटर
कनेक्ट करना है। अब सुनो मेरी बात, फाइनेंशियल सिस्टम पे वापस आ गए। हमने कहा जी फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट जिससे फाइनेंशियल सरप्लस ट्रांसफर हो जाता है जिसको पैसे की जरूरत है। यस और नो, आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी, कम ऑन रिप्लाई। भाई बहुत ठंड पड़ रही है, मानते हैं आप जमे जा रहे हो, लेकिन फिर भी जवाब तो दो। समझ में आ गई बात? अब सुनो, फाइनेंशियल सिस्टम के तीन पिलर होते हैं, मतलब कोई भी देश का फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसके तीन पिलर होते हैं जिसके ऊपर वो टिका होता है। कॉन्स्टिट्यूशन के तीन पिलर बताइए। बहुत ही अच्छे, क्या बात है, जबरदस्त बच्चे हैं भाई साहब। फाइनेंशियल सिस्टम के तीन पिलर हैं, पहला है फाइनेंशियल मार्केट, दूसरा है फाइनेंशियल प्रोडक्ट, तीसरा है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। अब सुनना धीरे धीरे, फाइनेंशियल मार्केट वो है जहां जिस मार्केट में जाके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, दूसरी बात वहां पे क्या मिलेगा, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, और तीसरी बात क्या है, इंटरमीडियरी। अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। हमने कहा हमें सब्जी खरीदनी है तो मंडी जाना पड़ेगा, मंडी इज अ मार्केट, वहां पे जाके क्या मिलेगा, सब्जी मिलेगी। अब बहुत सारे बच्चों को तो सब्जी की भी नॉलेज नहीं, बिकॉज आई एम नॉट ईटिंग अ वेजिटेबल, आई एम ईटिंग ओनली पिज्जा, ठीक है। तो कई बार कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता हिंदी में कैप्सिकम को क्या कहते हैं, और वैसे दुकान पे जाएंगे तो पता क्या कहेंगे, कौन सा पिज्जा चाहिए, आर यू इंटरेस्टेड अनियन और कैप्सिकम, और कैप्सिकम को हिंदी में क्या कहते हैं, नोबडी नोस, शिमला मनाली, शिमला, अच्छा आप जानते हो शिमला, चलो अभी जनरेशन है ऐसी जिसे हिंदी भी पता है इंग्लिश भी है। आपको पता है वैसे ऐसे पढ़ाया जाता था बचपन में, कैसे पढ़ाया जाता जरा बताना, कैसे पढ़ाया जाता था, C4 कैप्सिकम, कैप्सिकम मींस शिमला मिर्च। अब नहीं पढ़ाते ऐसे, अब कैसे पढ़ाते हैं, C4 कैप्सिकम ओनली, शॉर्टकट। पहले छोटे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जाता है, A4 एप्पल, और एप्पल माने, अब नहीं टीचर पढ़ाते ऐसे, अब तो सीधा पढ़ाते हैं A4 एप्पल, आज ही आ जाए और बाकी गाजियाबाद है, घर जाके पढ़ना। और पीटीएम होती है ना बच्चों की, तो टीचर्स जो है पेरेंट्स को ऐसे डांट लगाते हैं जैसे इन्होंने कितनी मेहनत कर रखी है। पीटीएम में बुलाया जाता है स्पेशली बेइज्जती करने के लिए, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, देखिए आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, मेरा जैसा पेरेंट जाए तो फिर हम स्कूल क्यों भेज रहे हैं, जब पढ़ता नहीं तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है ना। तो पीटीएम में बाकायदा इंसर्ट की जाती है कि आपका बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ता, कि हमें पता नहीं पढ़ता तभी तो आपके पास भेज रहे हैं, नहीं तो आपके पास क्यों भेजते, सिंपल सी बात है। अब इधर सुनिए जरा, ध्यान दीजिए, अगली बात सुनिए ध्यान दीजिए। पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, अब आपकी तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन पूरी हो चुकी, वो थक चुके भाई, वो तुम्हें पैसे देके कहते हैं ये पकड़ पैसे, और तुझे जो कोचिंग अच्छे लगे, जो सबसे बढ़िया लगे उसमें पैसे देके आ जाना। उनकी तो आने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि आते आते स्कूल जाते जाते 14-15 साल हो गए, क्रेज होता है ना शुरू शुरू में बच्चे का एडमिशन, सोचे जब आपका एडमिशन कराया होगा, पापा ने बोला मैं एडमिशन करा के मम्मी मैं भी चलूंगी, साथ में मम्मी भी जाती है, फिर धीरे धीरे मम्मी पापा जाते हैं, फिर धीरे धीरे पापा बोलते तुम ही चले जाना, तुम ही चल जाना स्कूल में, फिर खाली मम्मी जाने लगते, फिर 8th क्लास के बाद बच्चा बोलता है स्पेशल लड़का, मम्मी मेरे स्कूल मत आना कोई देख लेगा तुम्हें, है ना। फिर धीरे धीरे मम्मी भी जाना बंद कर देती, और क्लास ट्वेल्थ के बाद तो वो कह देते आजाद पंछी हो, लो पकड़ो पैसे, और तुम्हें जो अच्छी लगी कोचिंग वो ज्वाइन कर लेना, इतना विश्वास हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, अब देखिए सुनो, फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट की अगर हम बात करें तो मार्केट एक ऐसी प्लेस होती है जहां पे बायर और सेलर दोनों की नीड क्या होती है, फुलफिल, उसे हम मार्केट बोलते हैं, जहां दोनों मीट करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत साधारण एग्जाम्पल दे रही हूं। हमने कहा जी हमने सब्जी मंडी की बात उठाई, सब्जी मंडी में कोई जाएगा तो वहां पे क्या मिलेगी, सब्जियां मिलेगी, टिंडा, गोभी, भिंडी, आलू, टमाटर, मटर, हरा धनिया, हरी मिर्ची, यस और नो, यही सब मिलेगा। इसी तरीके से आपकी फाइनेंशियल मार्केट में भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि शेयर्स, डिबेंचर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, फुल्ली कन्वर्टेबल, पार्शियली कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, DVRs, देयर आर सो मेनी थिंग्स, आर डीप डिस्काउंट बॉन्ड, फुल्ली डिस्काउंट बॉन्ड, वलाना बॉन्ड, ढिगाना बॉन्ड, ऐसे होते हैं। तो दीज ऑल आर क्या है, ये सारे क्या है बताओ जल्दी से, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। अब अगली बार सुनो, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी और आप मुझे उस क्वेश्चन का आंसर दोगे। बस मान के चलिए आपको 2 किलो आलू की जरूरत है, आप वो आलू लेने कहां जाओगे? हाँ कह रहा जी मैम वहां जाऊंगा जहां किसान ने आलू लगा रखे, मैं गाड़ी लेके वहीं पहुंच जाऊंगा 2 किलो आलू लेने, तुम्हारी मम्मी थप्पड़ मारेगी तुम्हारे आके। हाँ जी बताइए, 2 किलो आलू की जरूरत है, कहां लेने जाओगे? कहीं नहीं लेने जाओगे,
जो लोग स्ट्रीट्स मतलब वैसे नॉर्मल घरों में रहते हैं उनके यहाँ पे वेंडर्स आते हैं, सब्जी ले लो है ना, उनसे ले लेंगे। और जो लोग फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं उनकी सोसाइटी के बाहर एक सब्जी वाला बैठता है उससे ले लेंगे। जो गली में आपने देखा मकान होते हैं वो ऊपर से डब्बा डाल देते, 2 किलो आलू इसमें पैसे पड़े उठाओ, डुक 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 नीचे भी नहीं आएंगे, ऐसी सिस्टम चलेगा। लेकिन वही आपके यहाँ पे कोई फंक्शन है और आप कोई भंडारा करवाने जा रहे हो और आपको 500 किलो आलू चाहिए, आप बड़े दिल वाले लोग हो, 500 किलो आलू चाहिए, बताओ 500 किलो आलू चाहिए, 500 किलो कहाँ लेने जाओगे, मंडी जाओगे, यस और नो? तो इट मीन्स अब आपको सब्जी लेने कहाँ जाना पड़ेगा, मंडी में जाना पड़ेगा, इसका मतलब मंडी आप पहुंचे। अब मैं आपसे दूसरा प्रश्न पूछती हूँ और आप मुझे उत्तर देना बच्चों। और प्रश्न यह है, प्रश्न यह है बच्चों कि मान के चलिए आपका चलता है रेस्टोरेंट, आप हो गए बड़े आदमी और रेस्टोरेंट में आपका पिज्जा बनता है, बर्गर बनता है, और आप जानते हो बिना आलू के तो कोई चाट ही नहीं है। आप गोलगप्पे खाते हो उसके अंदर भी आलू होता है, भैया आलू लगाना थोड़ा सा। आप पिज्जा खाओगे, पिज्जा में तो खैर आलू नहीं होता, बर्गर बर्गर खाओगे उसमें भी आलू टिक्की होती है। और इवन मैकडोनल्ड्स ने, मैकडी ने इसी के ऊपर आपने देखा आलू मैक आलू टिक्की बर्गर, तो आलू हमारे यहाँ का राजा माना जाता है, तो हर जगह आलू की होगी। अब मान के चलिए आपको एक ट्रक आलू की जरूरत है, अब क्या करोगे, एक ट्रक आलू की जरूरत है अब क्या करोगे, हाँ खेत में गर्मियों में गन्ना होगा क्या आलू होगा, आलू की सीजन पे तो आलू के खेत में जा सकते हो, गोडाउन में, आप सही शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे, स्टोर रूम, भाई किसान पुत्र हो गए तुमने तो बेइज्जती करवा दी, कोल्ड स्टोरेज जाएंगे, कोल्ड स्टोरेज जाएंगे, कहां जाएंगे जरा बताना, कोल्ड स्टोरेज इट मींस जहां पे आलू स्टोर है, अगर फसल होगी तो किसान के पास जाएंगे। और सही तरीका आपको सिस्टम बता देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए कि जिन लोगों के बिजनेस होते हैं जिनका आलू के ऊपर डिपेंडेंट बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, होटल है, वो पता है क्या करते हैं, जब फसल होती है उस समय आलू खरीद लेते हैं और उनको स्टोर कर देते हैं, क्योंकि फसल पे आलू की कीमत कम रहती है और उसे वहां से खरीद के कोल्ड स्टोरेज में स्टोर कर देते हैं, और जितनी रिक्वायरमेंट किसान से खरीदते हैं डायरेक्ट और कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके जितनी ज्यादा जरूरत होती है उसी के अनुसार उसका इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स हम कह सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसी मार्केट का रुख करेंगे हम, आई एम राइट और रॉन्ग, जल्दी बताओ, आई एम राइट और रॉन्ग? इसी तरीके से बिजनेसमैन को जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी मार्केट में जाएगा, क्योंकि दो तरीके की मार्केट होती है हमारे यहां, ध्यान देना आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे भाई, दो मार्केट होती है, पहली कैपिटल मार्केट और दूसरी मनी मार्केट। ये कैपिटल मार्केट जो है लॉन्ग टर्म मार्केट, आगे चल के मैं समझाऊंगी आपको, इसकी भी ब्रांचेस हैं, मतलब दो मार्केट होती है, एक होती है मनी मार्केट और एक होती है कैपिटल मार्केट। शॉर्ट में समझ लो सीधी बात, कैपिटल मार्केट इज लॉन्ग टर्म मार्केट एंड मनी मार्केट इज अ शॉर्ट टर्म मार्केट। आप बिजनेस अगर कर रहे हो, आप अगर कंपनी चला रहे हो, तो आपके बिजनेस में फंड्स की जैसे रिक्वायरमेंट होगी उसी के अनुसार भाई और बहनों उसी मार्केट का क्या करोगे, रुख करोगे, आई एम राइट और रॉन्ग? अब सुनो, फाइनेंशियल प्रोडक्ट। और तीसरी बात होती है इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज वो लोग होते हैं जो इश्यूअर और इन्वेस्टर के बीच में रोल प्ले करते हैं। क्या बोला मैंने जरा बताना, इश्यूअर और इन्वेस्टर के बीच में जो रोल प्ले करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बस इंटरमीडियरीज। इट मींस फाइनेंस से कनेक्टेड है तो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। एक का नाम आप सब बच्चों ने सुना है, वो है स्टॉक ब्रोकर। सुना है आपने स्टॉक ब्रोकर का नाम, स्टॉक ब्रोकर इज इंटरमीडियरी। लेकिन लेकिन अभी रुको, जरा थोड़ी देर लगेगी, ठहरो ठहरो बच्चों। अब जब हम ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट और फाइनेंशियल मार्केट, यहां तक क्लियर हो गए, तीन पिलर होते हैं, तीन पिलर के आगे मैं बढ़ूंगी। तीन पिलर कौन कौन से जल्दी जल्दी बताओ, नंबर वन फाइनेंशियल मार्केट, नंबर टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट, नंबर थ्री फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, चलिए तो अच्छा। तो अब हम चलते हैं और थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और जब हम यहां पे आगे बढ़ेंगे तो जरा आप देखिए ये डायग्राम देख लीजिए। ये देखिए, फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द मनी मार्केट, सेकंड वन इज द कैपिटल मार्केट। यू नो कैपिटल मार्केट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज द सिक्योरिटीज मार्केट एंड सेकंड वन इज द अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोविंग, अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोविंग। कैपिटल मार्केट भी कितने पार्ट में डिवाइड करें, दो, वन इज अ सिक्योरिटीज मार्केट एंड सेकेंड वन इज अदर फॉर्म्स ऑफ लेंडिंग एंड बोरोविंग। अब धीरे धीरे, अब धीरे धीरे आप देखिए, सिक्योरिटीज मार्केट इज ऑल्सो डिवाइडेड। ये आपको ये चीज पढ़ाई जाएगी, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये देखिए जरा, सिक्योरिटीज मार्केट, इट मीन्स यहां पे सिक्योरिटीज मार्केट पे लगने वाले कानून इज नॉन एज सिक्योरिटीज लॉज। क्या बोला मैंने,
एक बार बोल दो जोर से, सिक्योरिटीज लॉस। अब सुनो मेरी बात, यहां भी जो सिक्योरिटीज मार्केट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज अ प्राइमरी, सेकंड वन इज अ सेकेंडरी। एक होती है प्राइमरी मार्केट और दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। अब देखो यहां पे, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात करते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इंडिया से पैसे इकट्ठे करने हैं फॉरेनर्स को तो आईडीआर, और अगर हमें भारत से फॉरेन कंट्री से फंड रेज करना है तो एडीआर, जीडीआर, एफसीसीबीज, एफसीईबीज। कितना अच्छा लग रहा है ना जब मैं बोल रहा हूं, आपको आता है नहीं, बहुत अच्छी बात है। आगे वारंट्स, आरईआईटीज, इनवाइटीज, ईटीएफ, ये तमाम चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी अपनी जर्नी के दौरान, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे शेयर्स में भी इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर्स भी आजकल अलग होते हैं, आप डीवीआर इशू कर रहे हो, आप इक्विटी शेयर विद इक्वल राइट्स है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स है, वो बहुत सारी चीजें हैं। अभी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि डर के आगे होती है जीत। तो अब मुझे बताओ सिक्योरिटीज मार्केट कितने पार्ट में डिवाइड है, दो पार्ट में डिवाइड है, वन इज अ प्राइमरी मार्केट, सेकेंड वन इज अ सेकेंडरी मार्केट। अब स्टेप बाय स्टेप हमें ये देखना है कि हमें क्या पढ़ाया जा रहा है। आप अब फिर वापस से उसी पॉइंट पे पहुंचते हैं और वहीं पर जाते हुए धीरे धीरे उसे समझते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, जब हमारा सिलेबस इंसर्ट हुआ, सिलेबस हमारा दिया गया, तो इन्होंने कहा कि एक तो भैया आपको बेसिक पढ़ना है, किसका, कैपिटल मार्केट का। पहले बताइए कैपिटल मार्केट कितने पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन सा, सिक्योरिटीज मार्केट और अदर फॉर्म्स ऑफ लैंडिंग एंड बोरोविंग्स, बेसिक्स में बताया। फिर उसके बाद हमने कहा सिक्योरिटीज मार्केट इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, वन इज अ प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड वन इज अ, बस यही यह डाल दिया, कौन सा, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया। आर यू गॉट द पॉइंट, दोनों चैप्टर समझ में आए। अब सुनो तीसरी बात, सुनो तीसरा, मैंने यहां पे जो है एससीआरए एक्ट दिया, लेकिन अभी इसको हम थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हमने कौन सा पढ़ा, सेबी एक्ट 1992। अब मुद्दा यह उठता है कि जितने भी इंटरमीडियरीज हैं उनको रेगुलेट कौन करती है, जल्दी बताओ इंटरमीडियरीज को रेगुलेट कौन करती है, सेबी। तो उसका नाम क्या रखा गया चैप्टर का, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज। मैंने कहा जी मुझे स्टॉक ब्रोकर बनना है, कि स्टॉक ब्रोकर बनना है तो चलो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, सेबी से। सेबी मुझे रजिस्ट्रेशन करेगी, रेगुलेट करेगी, मुझे उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे करने पड़ेंगे, जो उनकी रिक्वायरमेंट है नेटवर्थ की वो पूरी करनी पड़ेगी। आर यू गॉट द पॉइंट, समय समय पर अगर सेबी बोलेगी तो मुझे ऑडिट भी कराना पड़ेगा। इट मींस तमाम चीजें, कितने तरीके की सिक्योरिटीज मार्केट हो सकते हैं इंटरमीडियरीज, वो इसमें बताया। अच्छा, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज भी दो तरीके के हो सकते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी और दूसरे सेकेंडरी। जो प्राइमरी मार्केट में इंटरमीडियरीज का रोल होता है उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज, और जो सेकेंडरी मार्केट में रोल प्ले करेंगे उसे क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मार्केट इंटरमीडियरीज। आर यू गॉट द पॉइंट, समझ में आ रही है बात, पक्का पक्का, कच्चा कच्चा। अब कुछ बच्चे रात, जिनके घर में रात लाइट नहीं आई, वो एसी में बैठ के थोड़ी झपकियां भी ले रहे हैं। ओ भैया जाग जाओ भैया जी, एसी में बैठते नींद आ जाती है, हैं? रात तुम्हारे यहाँ की बिजली चली गई थी क्या? कुछ लोगों के साथ ऐसी स्थिति हो सकती है कि रात में लाइट का पावर कट हो गया हो। कितने बच्चों के साथ ऐसा हुआ, सच्ची में? आप सब दिल्ली गई हो, दिल्ली में ऐसा हुआ पावर कट रात को गायब, तो फिर आपने कैसे रात काटी? हम सुबह की प्रतीक्षा करिए, क्लास में जाएंगे, ऐसे चलेंगे, वहीं सो लेंगे दो घंटे। हाँ ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, खैर बहुत अच्छी बात है। अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडियरीज की हमने बात करी, तो एक प्राइमरी में भी हो सकते हैं और दूसरे सेकेंडरी। तो प्राइमरी मार्केट इंटरमीडियरीज और दूसरा हमने क्या बोला, सेकेंडरी। अच्छा अभी मैंने ये नहीं समझाया प्राइमरी मार्केट क्या होती है और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है, मैंने सिर्फ पार्ट बताया कि आपकी सेकेंडरी मार्केट दो पार्ट में डिवाइड है, आपकी जो ये मार्केट है पूरी वो दो पार्ट में डिवाइड है, सिक्योरिटीज मार्केट, वन इज अ प्राइमरी एंड सेकंड वन इज अ सेकेंडरी। अब यहां पे आ जाइए, हमने कहा सेबी ने किसके ऊपर कंट्रोल किया, इश्यूअर के ऊपर। इश्यूअर के ऊपर किस किस तरीके से कंट्रोल कर सकता है, तो ये बात हम फिर से लिंक करेंगे। सेबी को पावर दी गई है अपने क्या बनाने की, रेगुलेशंस बनाने की। आर यू गॉट द पॉइंट, अब सुनो मेरी बात। इश्यूअर कहता है जी मुझे कैपिटल से फंड रेज करना है, पैसे इकट्ठे करने हैं, क्या हम उसे रोक सकते हैं? हम उसे नहीं रोक सकते, लेकिन जब वो मार्केट से फंड रेज करेगा तो किस बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, एक पॉइंट बता दो बस, जो मैं शुरू से क्लास में ही बताती आ रही हूं, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट, कि जब भी कभी कोई इश्यूअर मार्केट से फंड रेज करेगा तो सेबी किस चीज का ध्यान रखेगा, वेरी गुड
बताओ बच्चों क्या बात है, दिमाग चल गया तुम्हारा। इसे ही कहते हैं ब्रांचिंग कैपेबिलिटी, इसे ही कहते हैं ब्रांचिंग कैपेबिलिटी, यही होती है ब्रांचिंग कैपेबिलिटी। जो ब्रांचिंग कैपेबिलिटी होती है ना, अगर वो आपकी एक बार डेवलप होगी ना भाई, सब मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। आप ये ध्यान रखना मेरी बात, ब्रांचिंग कैपेबिलिटी डेवलप करनी है, ब्रांचेस आपको क्रिएट करनी है। हमने कहा सेबी को सबसे पहली यही बात बोली गई है कि सेबी जब भी कभी इश्यूअर फंड रेज करेगा तो वो इन्वेस्टर से पैसा लेगा, तो तुम्हें उसके पैसे की क्या करनी है, प्रोटेक्शन। अच्छा आपने कहावत सुनी होगी प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सुना है? क्या मतलब है इसका, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर क्या कहता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बताओ क्या कहता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। पहले से सुरक्षा बना के चलो ताकि वो घटना ही ना घटे, ऐसे बोलते हैं ना कि अगर डेंगू होने वाला हो, जैसे अभी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो पहले इतना ज्यादा पानी पी के चलो कि टैप लगा लो पानी का मुंह में और पीते जाओ है, तो इट मींस उसके बाद डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे कहा जाता है ना। अच्छा तो इसी तरीके से सेबी ने कहा ईश्वर से कि ईश्वर की, हाँ बहुत आसान बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ, क्योंकि चीजों को ना मैंने देखा है कि बच्चों को टफ कब लगती है, जब चीजें समझ में नहीं आती। अगर एक बार बच्चे के दिमाग में चीजें सेटल हो जाए ना, तो लर्न तो वो खुद भी कर लेता है। अब यहाँ पर सेबी की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए कि जब भी कभी कोई इश्यूअर मार्केट से फंड रेज करेगा तो पहले मेरा क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। अगर वो क्राइटेरिया पूरा हो जाता है उसके बाद सेकेंड स्टेप तुम्हें कहीं जाना है, उसके बाद आपको सेकेंड स्टेप पे कहीं जाना है, उसके बाद ही आप जा पाओगे, अदरवाइज आप फंड रेज, इट मींस आपको पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी सेबी की। अगर आप उन एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा कर देते हो देन यू आर एलिजिबल टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। आर यू गॉट द पॉइंट? तो यहां पे सेबी ने स्पेशली इसी काम के लिए अपने रेगुलेशन तैयार किए और उनका नाम रखा गया इशू ऑफ कैपिटल। फिर से सुनना, इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस, जिसे हम उसका प्यार का नाम देते हैं ICDR रेगुलेशंस। क्या बोलते जरा बताना, ICDR रेगुलेशंस। इन रेगुलेशंस के अंदर सेबी ने किस बात पे चर्चा करी है बताना जरा, एक बार आप तुम मुझे पढ़ा दो। मैम जी इस बात पे सेबी ने एक बात बोली कि ईश्वर की, हाँ कि तुझे फंड रेज करना है, जी बिल्कुल करना है, तो कोई बात नहीं, तेरे ऊपर कुछ रेगुलेशंस लगे हुए हैं जिसमें तेरी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक की जाएगी, आर यू एलिजिबल और नॉट, वो कंडीशंस पूरी करनी है। अगर वो कंडीशन तुम पूरी कर देते हो यू आर फ्री फ्रॉम अवर साइड टू रेज फंड फ्रॉम दी मार्केट। अच्छा एक बात बताओ, आप मुझे एक बात सिंपल भाषा में बताना बिल्कुल साधारण तरीके से, सबसे ज्यादा चोरी कौन करता है, चोर कौन बनता है? अब तुम अदरवाइज मत लेना, बताओ मैं क्या, मैं नो अब तुम मुझे एक बात बताओ, सच्ची बताना ईमानदारी से, अगर कोई व्यक्ति एक संपन्न परिवार से है और उसके पास सब कुछ है, सब सुख और सुविधाएं हैं, और उसे एक अच्छी गाइडेंस दी गई है, अच्छे संस्कार दिए गए हैं, वो कभी भी चोरी करेगा? बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं, बच्चों को यहां भेजते हैं वहां भेजते हैं, हर टाइम माता पिता साथ नहीं घूम सकते, लेकिन उन बच्चों को घर पे अगर सही तरीके से समझा दिया जाए ये सही है ये गलत है, ये करेगा तो तेरे साथ गलत होगा और ये नहीं करेगा तो ऐसा होगा। जो बच्चे अपने परिवार में, हमारा जो परिवार होता है परिवार से ही बच्चा सब कुछ सीखता है, और मैं आप सब बच्चों से यही बात बार बार समझाती हूँ कि इफ़ यू बिकम मोर सक्सेसफुल इन योर प्रोफेशनल लाइफ देन यू बिकम सक्सेसफुल इन योर पर्सनल लाइफ। अगर हम प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इसके लिए हमें पर्सनली भी बहुत सक्सेसफुल होने की जरूरत है। और जब हम समाज में, मतलब जब हमारा घर होता है तो घर में हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, और वो तमाम तरीके की बातें करते हैं, ये सही है ये गलत है, और जब एक छोटा बच्चा उन बातों को सुनता है कि इसने कुछ गलत किया, तो आज इसकी नेगेटिविटी इतनी ज्यादा फैल रही है, तो बच्चे को ये पता चल जाता है ये काम गलत है और ये काम सही है, और उसकी समझ डेवलप हो जाती है। आई एम राइट और रॉन्ग? तो इसी तरीके से मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूं कि सबसे ज्यादा चोरी कौन करेगा, सोच के बताओ, जवाब देना, चोरी सबसे ज्यादा चोरी कौन करता है? बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, सबसे ज्यादा चोरी वही करेगा जिसे जरूरत होगी। एक तो होती है किसी को बीमारी, और वो बीमारी है भाई साहब क्लेप्टोमेनिया।
क्लेप्टोमेनिया एक मजेदार बीमारी है, उसमें वो छोटी छोटी चीजें चुरा लेते हैं। जैसे वो किसी के रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो उसे चम्मच पसंद आई, पर्स में डाल ली। वो किसी होटल में गए, वहां पे उसने देखा टॉवल पसंद आया, बैग में डाल लिया, है ना। वो किसी बच्चे का खिलौना देखेगा, वो बैग में डाल लेगा। तो वो तो एक बीमारी होती है, जो कि आपने किसी किसी को ग्रस्त देखा होगा इसी बीमारी से। दिस इज नोन एज क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं इसे? ये एक अलग चीज है। मैंने आपसे पूछा कि अधिकतर ज्यादातर लोग चोरी या गलत काम कौन करते हैं? जिन्हें जरूरत होती है। जरूरतमंद लोग सबसे ज्यादा गलत काम करते हैं पैसे के चक्कर में। छोटे छोटे बच्चे जो क्राइम में जाते हैं, जैसे आप कभी भी, मैं एक केस स्टडी पढ़ रही थी तो उसमें मैंने एक चीज पढ़ी कि 20-21 साल का लड़का है, क्रिमिनल बन गया, मर्डर कर दिया। क्यों किया उसने ऐसा मर्डर? क्योंकि कई बार बच्चे ना ये सोचते हैं कि हमारे घर को पैसे की बहुत जरूरत है और अब मेरी जिम्मेदारी है अपने घर वालों को पैसा ला के देना, तो वो गलत रास्ते अपना लेते हैं, शॉर्टकट रूट फॉलो करते हैं, शॉर्टकट रूट, और उसकी वजह से वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। अगर एक कंपनी पहले से ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, अब मेरी बात सुनना, आप कॉर्पोरेट्स में आ जाते हैं, ये मुझे बेसिक समझाना था आपको। एक कॉर्पोरेट की बात हम कर रहे हैं, अगर एक कॉर्पोरेट पहले से ही प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, ह्यूज प्रॉफिट्स है, अच्छा टर्नओवर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी है, पहले से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती आ रही है, तो बताइए ऐसी कंपनी में अगर कोई पैसा लगाएगा तो उसका पैसा डूबने के चांसेस है या नहीं है? पैसा डूबेगा या नहीं डूबेगा? वेरी फ्यू चांसेस। क्या बोला मैंने? वेरी फ्यू चांसेस। क्यों? क्योंकि उसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? इसका मतलब सेबी कहती है कि मार्केट से एरा गैरा नथू खैरा कोई भी पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। सेबी ICDR रेगुलेशंस का पालन किया जाएगा, और सेबी ICDR रेगुलेशन का जिस्ट बता दिया मैंने, दिल बता दिया, दिल का टुकड़ा बता दिया कि सेबी ICDR रेगुलेशन के अंदर सबसे ज्यादा इस बात पे फोकस किया गया है, व्हाट इज द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेट्स विच इज इंटरेस्टेड टू रेज फंड फ्रॉम द मार्केट। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? एज ए कंपनी सेक्रेटरी ICDR रेगुलेशन का पालन कब करोगे, बताओ जल्दी से? जब भी कभी कंपनी फंड रेज करेगी तभी आपको क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी बताओ, कब कब लागू करोगे ICDR रेगुलेशन? सेबी ICDR रेगुलेशन आपको तब एप्लीकेबल करने है, तब ध्यान रखना है, जब भी कभी कंपनी फंड रेज करेगी। कहां से? मार्केट से। कहां से? क्या एक चैप्टर समझ में आया? पहला रेगुलेशन क्या नाम है जरा बताना, सेबी ICDR रेगुलेशन। अब अगली बात सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से सुनना, और इसके पीछे इससे कनेक्ट करेंगे स्टार नंबर वन, स्टार नंबर टू। प्लीज बातें नहीं करो, प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बातें नहीं करो, स्टार नंबर टू, स्टार नंबर थ्री। बारिश हो रही है भाई बाहर है? हाँ सच्ची, भीगी भीगी सड़कें होगी। हाँ बिल्कुल, महेंद्र सिंह धोनी, बिल्कुल। सुनो देखो, कितनी मतलब मैं इतनी देर से कैपिटल मार्केट पढ़ा रही हूँ, इन्होंने कैपिटल बोला ना, मार्केट बोला ना, सिक्योरिटीज लॉस, मैंने एक बार बोला बाहर बारिश का मौसम, भीगी भीगी गलियां, ठीक है। अब सुनो, आओ इधर, समझ में आ रही मुझे आपकी बात, इधर आ जाओ प्लीज, इधर देखिए। अब क्या होता है कि जब भी कभी कोई कंपनी फंड रेज करेगी तो फंड रेज करने के बाद आप भी, प्लीज बेटा प्लीज, हेलो नो टॉकिंग, आप भी जब भी हम कभी कोई पैसा कहीं निवेश करेंगे तो हम क्या बात सोच के करेंगे? पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो क्या बात सोच के करेंगे? रिप्लाई करके बताओ, आपको जवाब देना है। एक रिटर्न, दूसरा सुनो मेरी बात, जब भी कभी हम कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये सोचते हैं यार हमारा पैसा फंसेगा तो नहीं, बहुत सिंपल भाषा बोली मैंने, हम कहीं कभी भी अगर पैसा निवेश करेंगे तो हमारे दिमाग में एक बात सबसे पहले आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं हमारा पैसा क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। गॉट द पॉइंट एवरीबडी? तो इसका मतलब ब्लॉक हो जाएगा। तो कंपनी में अगर हम ऐसी कंपनी को पैसा देना चाहेंगे जहां पे हमारे पैसे के ब्लॉक ना हो, क्या ना हो, जिसे हम बोलते हैं लिक्विडिटी। टेक्निकल भाषा बोल रही हूं, पहले मैं सिंपल भाषा में समझा रही हूं फिर उसी को कनेक्ट कर रही हूं, क्या बोलते जरा बताना। और लिक्विडिटी कैसे मेंटेन हो सकती है? लिक्विडिटी ऐसे मेंटेन हो सकती है कि आज मैंने शेयर खरीदा कंपनी का, कल मेरा मन कर रहा है बेचने का, तुरंत बिक जाए, मेरे पैसे आ जाए पॉकेट में, इसे क्या बोलते हैं हम, लिक्विडिटी। इसका मतलब अगर किसी कंपनी के, कंपनी को अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करनी है तभी तो अट्रैक्ट होगा इन्वेस्टर, तो उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा जहां पे फैसिलिटी मिले। आई एम राइट और रॉन्ग? जहां पर ये क्या मिले, फैसिलिटी, और वो होता है स्टॉक एक्सचेंज।
क्या बोला मैंने, स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब कंपनी अगर चाहती है कि मेरी कंपनी में लिक्विडिटी रहे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर जो है फंड रेज गंभीर से अट्रैक्ट हो, पैसा ले, मेरा नाम हो, तो उसको चाहते हुए या ना चाहते हुए अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? स्टॉक एक्सचेंज पे क्या कराना पड़ेगा जरा बताना, लिस्ट। जिस कंपनी को बोलते हैं लिस्टेड कंपनीज, क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी। इट मींस लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसकी सिक्योरिटीज लिस्ट होती है कहां पर? स्टॉक मार्केट पर, स्टॉक एक्सचेंज पर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिस्टेड कंपनी। सेबी कहने लगे तो गड़बड़ करेंगे, घोटाला करेंगे कि कैसे। यू नो वेरी वेल यहां पे दो मार्केट बोली गई, एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरी है सेकेंडरी मार्केट। थोड़ा सा हिंट देके कनेक्ट करूंगी चीजों को, इंटरकनेक्टिविटी बनाऊंगी कि जो हमारी प्राइमरी मार्केट होती है उसमें शेयर का प्राइस तय करने का राइट जो है वो कंपनी को होता है, लेकिन उसमें भी कुछ प्रोस एंड कॉन्स है वो मैं आगे चल के बताऊंगी। पहली क्लास से सारी बातें यहां नहीं खोल के रख सकती क्योंकि अभी पूरे पैसे भी तो नहीं आए, समझ रहे हो ना बात को, एक ही क्लास में पूरी पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब सुनो, ध्यान दो जरा बात पे। अगला मुद्दा ये है, हमने कहा कि जो प्राइमरी मार्केट होती है उस प्राइमरी मार्केट में आपने जो पैसा रेज किया, जो शेयर्स दिए बदले में, उसका प्राइस निर्धारित करने की पावर कंपनी के पास होती है। लेकिन वही वो शेयर जब स्टॉक एक्सचेंज में चला जाता है, उसकी लिस्टिंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में प्राइस तय करने की पावर भाई और बहना कंपनी के पास, जनता तय करती है, डिमांड एंड सप्लाई तय करती है। आई एम राइट और रॉन्ग? लेकिन ये बताइए, अगर जनता के साथ फ्रॉड कर दिया जाए कि कैसे? अब जरा एक बात सुनना, मेरे ध्यान से सुनना और इसको भूल जाओ, मैं दूसरा कॉन्सेप्ट सिखाती हूं। मान के चलिए मिस्टर ए है और उनके दो लड़कियां हैं, बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल आम भाषा पर एग्जांपल दे रही हो। मिस्टर ए है और उनके दो लड़कियां हैं, एक लड़की लोकल दिल्ली में ही शादी हुई है, एक लड़की की शादी तो दिल्ली में हुई थी लेकिन वो लंदन चली गई, वहीं शिफ्ट हो गई है और वो अपने हस्बैंड के साथ लंदन में रहती है। जो लोकल दिल्ली वाली है वो हर फेस्टिवल पे पहुंच जाती है, तो जो आसपास के लोग हैं वो सबसे ज्यादा कौन सी लड़की को, कौन सी लड़की के हस्बैंड, मतलब दामाद जी जो है, दामाद जी कौन से वाले दामाद जी को ज्यादा जानते होंगे, लंदन वाले या दिल्ली वाले? क्यों भाई? क्योंकि वो आते रहते हैं, दिखते रहते हैं, और जो दिखता है वही बिकता है। बस यही है सिक्योरिटीज मार्केट, समझने वाले समझ गए। जिस कंपनी के शेयर मार्केट में ज्यादा दिखाई देंगे, ट्रेड हो रहा है, जिसका बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, बाय हो रहा है, सेल हो रहा है, वही दिखेगा तो वही बिकेगा। तो यहां पे सेवी कहने लगी, ओहो ये तो गड़बड़ हो सकती है, कि बिल्कुल हो सकती है कि भाई साहब कई बार तो कंपनी खुद से ही ट्रेडिंग करती है, खुद ही शेयर खरीद रही है, खरीदे जा रही है, और आप नियम जानते हो, सब बच्चे गली मोहल्ले में सड़कों पे घूमते हो, लक्ष्मीनगर में कई जगह आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों की भीड़ लग रही है, और उस भीड़ में क्या है अभी किसी को नहीं पता, लेकिन फिर भी देखेंगे क्या है भाई, चाहे किसी के कंधे पे चढ़ के देखना, हटियो जरा हटियो, मुझे दिखाइयो क्या है, देखेंगे या नहीं देखेंगे? क्योंकि भीड़ में हमें ऐसा लगता है कि कुछ तो है, Yes or no? तो इसका मतलब जब दिखेगा कि यार ये तो सामान बहुत बिक रहा है, तो सब ये चाहेंगे हम इसे खरीद लें। लेकिन ये सारे काम कंपनी करा रही है, खुद ही अपनी मार्केट में ट्रेड करा रही है, तो इन्वेस्टर कहेगा मुझे यही शेयर खरीदना है। आपको एक सामान बेचने की एक बहुत अच्छी कला सिखाती हूं। आप एक चीज नोटिस करना, आप किसी दुकान पर जाना और उसके सामान अगर ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा है, और आपने उससे कहा जी कितने रुपए का, कि 500 रुपए का, कि 400 लगाओगे, कहीं भी चले जाओ मार्केट में आपको जो सस्ता मिले ले लेना, क्योंकि उसे अपने सामान पर अपने ऊपर इतना विश्वास है, वो बंदा हिलेगा नहीं, 500 में ही लेके जाएगा। यस और नो? तो ये होती है क्वालिटी। इसका मतलब यहां पे इन्होंने क्या किया कि ऑटोमेटिक शेयर की वैल्यू क्या कर दी, खुद ही खरीदे जा रहे, रातों रात शेयर का प्राइस बढ़ गया। तो अब क्या होना चाहिए, जो इन्वेस्टर है वो तो मासूम है, वही हुआ उनके साथ जिसका डर था, उन्होंने महंगे दामों में शेयर की खरीद लिया और एक्चुअल में पता चला वो तो सस्ते थे। तो सेबी यहां पे क्या करेगा, सेबी क्या चार्ट डालेगा बैठ के? सेबी ने कहा इस चीज की जिम्मेदारी मैं लूंगा और इसके लिए सर मुझे बनाने पड़ेंगे रेगुलेशन की। हाँ, और रेगुलेशन का नाम रखा गया लिस्टिंग। सुनना ध्यान देना बात पे, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन। इसका मतलब जितनी कंपनीज लिस्टेड हैं उनके ऊपर ये रेगुलेशंस लागू होते हैं और उनको इन रेगुलेशन का पालन करना है, और यहां पे डिस्क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जितनी ज्यादा कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी रहेगी उतने कम फ्रॉड होने के चांसेस हैं, जितनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी। आर यू गॉट द पॉइंट? तो इस चैप्टर का पूरा फोकस
सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर्स पे है, ट्रांसपेरेंसी पे है। किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के बीच में छुपी नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल है चाहे वो इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल है। क्या बोला मैंने? चाहे वो इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल है चाहे वो इंफॉर्मेशन नॉन फाइनेंशियल है। बट इस चैप्टर के तहत सेबी की पूरी कोशिश की गई है कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं वो ज्यादा से ज्यादा हमारे रेगुलेशंस का पालन करें और उन रेगुलेशंस के तहत जो है रिक्वायरमेंट होती है कि उनको रिक्वायरमेंट रेगुलेशन है कि डिस्क्लोजर्स देने हैं स्टॉक एक्सचेंज को समय समय पे, कुछ वन टाइम बेसिस हो सकते हैं, कुछ क्वार्टरली बेसिस हो सकते हैं, कुछ ईयरली बेसिस हो सकते हैं, कुछ इवेंट बेसिस हो सकते हैं। आर यू गॉट द पॉइंट? क्या बात समझ में आई? उसके साथ साथ उन्होंने एक और कोशिश करी कि क्या कोशिश करी कि अगर हमें ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है तो हमें जो डायरेक्टर्स है ना उन पे भी फोकस करने की जरूरत है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रोल बढ़ाइए, वुमेन डायरेक्टर का रोल बढ़ाइए। इसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलते हैं, ये अलग ही एक थीम है, अलग ही एक कॉन्सेप्ट है, वो भी हमें एलओडीआर रेगुलेशंस के तहत पढ़ना है। लेकिन मुझे आप ये बताइए एज ए सीएस एलओडीआर रेगुलेशंस कौन सी कंपनी के ऊपर लागू होंगे? लिस्टेड कंपनी। और क्यों लागू होंगे? क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज अगर पहले से ही पहले रूबरू होगी तो फ्रॉड होने के चांसेस, डिसेप्टिव मार्केट में जो अनफेयर ट्रेडिंग होने के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। सेबी कह रही मेरा मन नहीं भरा। हमने कहा जी क्यों? कि मेरा मन नहीं भरा, अब मुझे स्पेशली एक चीज को रोकना पड़ेगा। कि क्या? कि सर ये जो जब चोरी करने वाले घर के अंदर ही बैठे हों तो चोरी नहीं रोक सकते। आई एम राइट और रॉन्ग? बताओ, जब चोरी करने वाले घर के, अच्छे बताइए ताले किसके लिए लगाए जाते हैं? जिसे चोरी करनी होती है वो ताले तोड़ के भी चोरी करता है, और जिसके यहां ताले लगे हुए होते हैं उनके यहां सबसे ज्यादा चोरी होती है। नहीं समझ में आया? इसीलिए कभी भी अगर कहीं घूमने जाओ तो जो बाहर वाला मेन गेट है ना उसमें कभी ताला अटका के नहीं जाना चाहिए। जो लोग कॉलोनीज में रहते हैं, ओपन कॉलोनीज में रहते हैं, जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वो तो सेफ्टी के ही पैसे देते हैं, लेकिन जो ओपन कॉलोनीज में रहते हैं जहां पे कोई भी आ जा सकता है, उन्हें कभी भी कहीं घूमने जाएं तो मेन गेट को कभी भी बड़े ताले से लॉक करके नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो चोर होते हैं वो दिन में घूमते हैं, दिन में बाइक लेके घूमते हैं, और वो ये देखते हैं इस घर में कितने दिन से कौन नहीं रह रहा, और फिर घात लगा के हमला करते हैं। ये ध्यान रखना। तो इसीलिए अंदर से आप लॉक कर दीजिए, लेकिन बाहर मेन ताला नहीं डालना चाहिए। जिस घर पे ताला लगा होता है उसी में चोरी होती है, जिस घर में ताला नहीं होता उसमें चोरी नहीं होती है। समझ में आई मेरी बात? ये सब चीजें जो है ना माइंड से आती है, दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे नॉर्मल आदमी दिमाग लगा रहे, एक प्रोफेशनल हम कभी भी ये ध्यान रखना, जो ओपन कॉलोनीज में रहते हैं वो कभी, जो सही दिमाग वाला आदमी होगा वो ताला डालेगा ही नहीं। अंदर ताला होगा, इंटरलॉक सेंट्रलॉक कोशिश की जाती है, और एक आधी लाइट जला के छोड़ के जाओ तो लाइट से ये रहता है कि अंदर कोई है पूरी, और आप सब कुछ लाइट ऑफ कर दोगे, लॉक लगा दोगे, डैम श्योर हो जाएगा भाई यहां पे कोई है नहीं और चोरी होगी। तो आप ये बताइए अगर चोर घर के अंदर ही हो फिर क्या किया जाए? अगर चोर घर के अंदर ही बैठा हो फिर क्या किया जाए? वहीं से मारते हुए लाना चाहिए उसे। यस और नो? बस यही हुई है भाई। बाहर वालों चोरों को तो हम रोक सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टर के साथ सबसे ज्यादा फ्रॉड किसकी वजह से हो सकता है? सोच के बताओ दिमाग से अपने। यहां पे जो सबसे ज्यादा फ्रॉड होने के चांसेस है वो किसके द्वारा है? रिप्लाई करना लाइव वाले बच्चे, कसम है तुम्हें विद्या माता की अगर तुमने रिप्लाई नहीं करा। हाँ बताओ। ये बच्ची कह रही है जिसके पास इंफॉर्मेशन है, और कोई बच्चों के दिमाग में नहीं चल रहा। सबसे ज्यादा कंपनी में जो फ्रॉड होने के चांसेस है इन्वेस्टर्स के साथ वो कौन कर सकते हैं? वो लोग कर सकते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि जैसे इंफॉर्मेशन मार्केट में आती है, अगर इंफॉर्मेशन पॉजिटिव है तो शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, और इंफॉर्मेशन नेगेटिव है तो शेयर के प्राइस डाउन होंगे। ये सुनो, अब सुनो कैसे। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी और उसका मुझे तुम रिप्लाई करना। सपोज करिए कंपनी जो है एक बोर्ड मीटिंग कर रही है, और बोर्ड मीटिंग में डिस्कस कर रही है कि एक्स लिमिटेड जो है वाई लिमिटेड को एक्वायर करेगी, और अब एक्स लिमिटेड का साइज 1000 करोड़ का हो जाएगा। इंफॉर्मेशन बताओ कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव? इंफॉर्मेशन पॉजिटिव या नेगेटिव? सब बच्चे मानते पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है। यह इंफॉर्मेशन जैसी मार्केट में जाएगी तो शेयर का प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? लेकिन मार्केट इंफॉर्मेशन मार्केट में जाने से पहले ही अगर ट्रेडिंग हो जाए, सुनना ध्यान से मैंने क्या कहा, अगर इंफॉर्मेशन मार्केट में आ गई तो फिर तो सबका साथ
सबका विकास होगा, लेकिन इंफॉर्मेशन मार्केट में आई ही नहीं, उससे पहले ट्रेडिंग हो गई, तो हम कह सकते हैं ट्रेडिंग तो वही करेंगे जो घर के अंदर लोग बैठे हैं, यस और नो? तो बताओ क्या किया जाए? इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो सिक्योरिटीज मार्केट से कनेक्टेड है, और जिन इंफॉर्मेशन से सिक्योरिटीज के प्राइस हार्म होते हैं या हम कह सकते हैं अफेक्ट होते हैं, और इसे बोलते हैं प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या बोला बच्चों, मैंने जरा बताना क्या बोला, एक बार बताइए, प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। समझ में आई मेरी बात? ये प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर मार्केट में छप गई है तो ये खबर छपवा दो अखबार में और पोस्टर लगवा दो बाजार में, तो सबको एक साथ पता चल गई। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन और मार्केट में पब्लिश नहीं हुई, तो बाई और बैनो उसे बोलते हैं यूपीएसआई। यूपी क्या मतलब हुआ जरा बताना, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने जरा बताना, अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर टॉप मैनेजमेंट या उससे कनेक्टेड लोग जो हैं वो ट्रेडिंग करते हैं, और इसे बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या बोलते जरा बताना, एक बार जोर से बोल दीजिए, इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या इस इनसाइडर ट्रेडिंग से सबसे ज्यादा राइट इफेक्ट होते हैं इन्वेस्टर के, यस और नो? तो इसको रोक लगाने के लिए सेबी कहने लगी, जी अभी काम नहीं चलेगा, एक काम करना पड़ेगा। सेबी को पावर दे रखी है, सेबी क्या बनाएगी इसके लिए, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। क्या बनाए जरा बताना, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। फिर से बताओ क्या बताया मैंने, प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस। स्पेशली अलग से रेगुलेशंस बनाए गए और ये हर एक लिस्टेड कंपनी के ऊपर लागू होते हैं। इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी टू फॉलो टू एडर ऑल द रेगुलेशंस विच आर मेंशन इन द सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन। वर्ड ही देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है बैन, कंप्लीटली बैन। क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग। What do you mean by the insider trading? A trading on the basis of UPSI is known as insider trading. क्या ये बात समझ में आई? समझ में आ गई सब बच्चों को? अब अगली बात सुनो। कई बार क्या होता है कि insider trading एक तो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट करा सकता है, दूसरा कुछ और लोग भी हो सकते हैं, intermediaries। क्या बोला मैंने, intermediaries। फसारे स्टॉक ब्रोकर कह रहा है, भाई इसमें पैसे लगा लो, शेयर्स में पैसे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, मैं सच कह रहा हूं, तुम पैसे लगाओ स्टॉक मार्केट में, तुम्हारे पैसे बढ़ने ही बढ़ने। ये बात कौन बोल रहा है? इन्होंने कहा इनका भी इंतजाम करना पड़ेगा, इनका भी स्टॉक ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर हट जाए, सेबी का अस्त्र आ रहा है, शस्त्र आ रहा है। ये देखिए, सेबी ने कहा स्पेशली इनके लिए भी रेगुलेशंस बनाओ। कि कौन से वाले? प्रोहिबिशन, बैन किया। सुनना ध्यान से, बैन किया किस चीज को? फ्रॉडलेंट, और आगे क्या बोला, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस टू सिक्योरिटीज मार्केट। ये जो इंटरमीडियरीज कोशिश करते हैं ना फेक ट्रेडिंग करवाने की, फ्रॉड प्रैक्टिसेस फॉलो करने की, इन्वेस्टर को फंसाने की, इनको रोक लगाओ। तो इनके लिए अलग से रेगुलेशन बनाए गए और नाम क्या रखा गया, प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रिलेटिंग टू सिक्योरिटीज मार्केट। बताओ कौन कौन से चैप्टर हैं आपके सिलेबस में? ऐसा इंट्रोडक्शन भी शायद अभी तक इंडिया में एक भी नहीं हुआ होगा कि एक ही क्लास में सारे चैप्टर आपस में कनेक्ट कर दें। सुनो मेरी बात, सबसे पहले हमने शुरुआत किससे करी, बेसिक से, बेसिक कैपिटल मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, सेबी एक्ट 1992, आईसीडीआर रेगुलेशन, एलओडीआर रेगुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस रेगुलेशन। क्लियर या ऑल क्लियर? पक्का पक्का, कच्चा कच्चा? अब मैं आपसे पूछने लगूं, ये बताओ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन कौन से सब्जेक्ट में है? हाँ जी बताओ, कौन सब्जेक्ट में है? सीएमएसएल। अभी रुको जरा, थोड़ी देर लगेगी। अब सुनो मेरी बात, अब मुद्दा ये उठा जी, हमारा हुआ देश आजाद। अब देश आजाद हुआ तो आपने बड़ी बड़ी चीजें, कहानी सुनी होंगी, बड़े अच्छे अच्छे गाने सुने होंगे, देशभक्ति गीत सुने होंगे, और आप सभी बच्चे स्कूल में पढ़ के आए तो 26 जनवरी 15 अगस्त में हमारे यहाँ स्पेशली डेडिकेटेड प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें हम देशभक्ति गीत गाते हैं। जैसे आपने कितना प्यारा गीत सुना होगा, जरा याद करो कुर्बानी, है ना, जो शहीद हुए हैं, तो ऐसे सुना होगा। और आपने बड़ी अच्छी अच्छी और भी अच्छे अच्छे गीत सुने होंगे, अब तो आप भूल चुके हो, अब तो आप भूल चुके हो। जैसे आपने एक बहुत अच्छा गीत था हमारे यहाँ पे, मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल रही, सारे जहाँ से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो इस तरीके के गीत सुन के तो जब हमारे यहाँ प्रोग्राम होता था तो मेरा तो मन ये करता था बस सीधा कारगिल पहुंच जाऊँ, बस तोप चला दूँ, है ना। तो मन में इतनी देशभक्ति आ जाती है इस तरीके के गीत सुन के, तो वो बच्चों को इसीलिए सिखाए जाते हैं।
ताकि हमारा बच्चा जो है देशभक्त हो। देखो हम जो है, मैं जो हूं, आप जो हो, आप बच्चे हो, अगर किसी भी कंट्री को, सुनना ध्यान देना मेरी बात पे, कई बार ये होता है कि मेरी भूमिका क्या है, मेरा क्या रोल है, मेरा क्या रोल है। भाई साहब मेरा इतना बड़ा रोल है कि जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, सिर्फ एक बच्चे को कानून की नॉलेज देना, लॉज पढ़ा देना, रेगुलेशंस पढ़ा देना एक अलग चीज होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनाना भी जरूरी है। सही गलत के बीच में समझ डेवलप करना जरूरी है। अगर किसी देश की तरक्की चाहते हो ना, तो उस देश के जो शिक्षक हैं, जो टीचर्स हैं, अगर वो बहुत अच्छे हैं तो अपने आप देश अच्छा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कई बार क्या बोलते हैं कि अरे तुम्हें क्या काम करना है, तुम क्या काम करते हो। भाई साहब हम इतना बड़ा काम करते हैं कि जितने बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ना ही जरूरी नहीं है लेकिन एक अच्छा इंसान बनना भी जरूरी है। अगर एक टीचर अच्छा टीचर होता है और अपने बच्चे को माइंड को ब्रेन वॉश कर दे और सही और गलत के बीच में उसे सिखा देना, तो वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। तो ये चीज आप हमेशा लाइफ में ध्यान रखना। कई बार ये बोलते हैं कि बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स क्वेश्चन पूछते हैं, आप अपने बच्चे को क्या बनाओगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता वो क्या बनेगा, वो प्रोफेशनल बनेगा, नॉन प्रोफेशनल बनेगा, क्रिकेटर बनेगा, क्या बनेगा मुझे नहीं पता। दैट डेस्टिनी इज डिसाइडेड बाय द गॉड, बट मेरे हाथ में एक जिम्मेदारी है, मैं बस एक अच्छा इंसान बना सकती हूँ। देखिए आपने कितना भी पैसा कमा लिया, आपने हमारे पेरेंट्स ने कितना भी पैसा कमा के दे दिया, लेकिन अगर बच्चे के अंदर कुछ गलत आदतें हैं तो सब पैसा बेकार है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है एक अच्छा इंसान बनना, जो कि आज के डेट में हमारी युवा पीढ़ी गलत रास्ते पे बहुत जा रही है। एक फैशन बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है, एक फैशन कॉन्सेप्ट हो जाता है। देखो मैं आपको एक बात बताती हूं, मान के चलिए एक बच्चा बेचारा अभी कस्बे से आया, किसी शहर से भी आया और दिल्ली में आया, और वो पीजी में रहता है और वहां पे उसके चार दोस्त रहते हैं, और चार में से तीन के तीन दोस्त स्मोकिंग करते हैं और चौथा उसे देखता रहता है, बड़ा अच्छा लग रहा है तो पीता हुआ, तो वो चौथा दोस्त जो है ना, एक दिन, दो दिन, चार दिन, छह दिन, आठ दिन, दसवें दिन वो भी स्मोक करने लगेगा। आज के डेट में स्मोकिंग करना इज इंजूरियस टू हेल्थ तो है ही, इंजूरियस टू हेल्थ तो जो है ही, लेकिन उससे सबसे बड़ा नुकसान उस बच्चे का है। क्योंकि आप ये देखिए, पुराने समय में आपने देखा होगा कुछ बुजुर्ग होंगे, हमारे दादाजी थे वो भी बीड़ी पीते थे, सिगरेट नहीं पीते, सिगरेट बहुत महंगी आती है, तो पुराने बुजुर्ग जो है वो बीड़ी पीते थे। अगर आपने देखा हो तो बीड़ी पीते थे, सिगरेट तो महंगी आती है आपको पता ही होगा, तो ये जो बीड़ी पीते थे तो उनकी उम्र 80-80 साल हो जाती थी। 80 साल के हैं, मरते मरते भी कह रहे जी एक बंडल बंडल ला देना, एक बंडल, वो बंडल, वो बीड़ी पी रहे हैं तब भी 80 साल उनका जीवन हो गया। लेकिन आजकल आपने देखा होगा 60-60 साल की उम्र में, 50-50 साल की उम्र में रात सही सोए सुबह खत्म, कि क्या हो गया जी, जी अटैक आ गया, सुनते हो ना, क्या हो गया जी, अस्थमा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जितने 80 साल के बुजुर्ग एक दिन में 20 बीड़ी पीकर धुआं अपने फेफड़ों में ले जाते थे, इतने हम बिना पिए लेते हैं, सुबह निकलते हैं और ये मान लीजिए पूरी 10 बीड़ी पी के निकलते हैं, क्योंकि इतना पॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे लंग्स में जा रहा है, और उसके अलावा हम ऊपर से स्मोक भी कर ले, तो समझ रहे हो आप क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैं ये मानती हूँ कि सबसे पहली चीज जो है, मैं मेरे यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशली जो लड़के, लड़कियां तो फिर भी स्मोकिंग कम करती है, लड़कों को मैं यही बोलना चाहूंगी, बेटा तू सीएस बन चाहे मत बन, पढ़ चाहे मत पढ़, लेकिन प्लीज तू स्मोक मत करना, तो ड्रिंक मत करना, क्योंकि जो स्मोकिंग है ना, ये जो स्मोकिंग है ना, कई बार कुछ बच्चे नीचे बेचारे जैसे तैसे, उन्हें ना क्या होती है, उन्हें एडिक्शन हो जाती है, तो जैसे मान चलो सुट्टा मारते हुए जा रहे हैं ऐसे ऐसे, उन्होंने मुझे देखा जाते हुए वो जेब में डाल लिया, जेब में डाल लिया तो फिर ऐसे ऐसे कर रहे, पूरी पैंट में जो है वो आपकी पूरी आग लग गई, तो ऐसे भी कई बार करते हैं। लड़कियां तो फिर भी बहुत कम करती है, लेकिन लड़कों को मैं स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उनके पेरेंट्स की तरफ से कि अगर तुम अच्छे इंसान बनना चाहते हो तो प्लीज कृपया करके स्मोकिंग करना बंद करें, क्योंकि अभी तो तुम्हारी शुरुआत है, आगे चल के तुम जो है चेन स्मोकर बन जाओगे। 18 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में अगर तुमने सिगरेट पीनी स्टार्ट कर दी, और अभी तो तुम पैसे कमाते भी नहीं हो, अभी तो घर वालों से लाते, जुगाड़ करके पीते हो, अभी तो एक दो ही सिगरेट खरीदते हो, दिन में दो ही पी सकते हो तीन, फिर तो भाई साहब तुम 50,000 रुपए महीना कमाओगे, तुम तो पूरे पूरे पैकेट के पैकेट गाड़ी में रखोगे, यस और नो, तो आगे चल के तो ये और खराब होगी। तो नशे की लत से, स्मोकिंग की लत से आपको बचना है, पढ़ना या नहीं पढ़ना वो तो सेकंड प्रायोरिटी, आई एम राइट और रॉन्ग। उसी के साथ साथ जितनी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं जो स्पेशली, उनको मैं बोलना चाहूंगी कि आपके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी क्या है वो जरा समझिए। आपके कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी इसलिए है कि एक बहुत विश्व, देखो लड़के को बाहर भेजना पेरेंट्स के लिए, अगर एक लड़का कोई गलत काम करके आ जाता है तो है तो वो भी निंदनीय है, लेकिन माँ बाप के लिए वो भी निंदनीय होता है, लेकिन फिर भी वो समाज में चले जाते हैं। परंतु वही एक लड़की अगर गलत काम करती है तो माँ बाप को समाज में निकलना, उठना, बैठना उनके लिए
बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप सब बच्चे एक दिल्ली जैसे शहर में रहते हो, लेकिन जो बच्चे आपके कनेक्टेड सिटीज से आते हैं या किसी ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र है या उससे कनेक्टेड क्षेत्र है, वहां पे एक बच्ची गलत काम करती है और बाकी जितनी बच्चियां होती हैं, जितनी लड़कियां होती हैं, उनका बाहर निकलना खत्म खत्म भाई खत्म, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल सेट हो जाए। देखा था, परी पढ़ने गई थी दिल्ली, वापस लौट के नहीं आई, शादी करके आई है। तू भी जाएगी तो तू भी शादी कर लेगी। मतलब जो आपकी जो जनरेशन आ रही है उसको तुमने स्टॉप करवा दिया। अगर तुम पढ़ते हो अच्छी तरीके से, सीएस बन जाते हो, बिकम अ रोल मॉडल ऑफ वेरियस गर्ल्स जो कि अभी आने जा रही है धीरे धीरे, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। तो आपने जो कोर्स ज्वाइन किया, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। मैं मानती हूं इस कोर्स को करने में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी अच्छा होगा पेपर, कभी खराब होगा, कभी 7 पेपर दोगे, कभी 4 पेपर दोगे, कभी 3 पेपर दोगे, कभी 5 अच्छे होंगे, कभी 6 अच्छे होंगे। इट्स अ टफ कोर्स, यू नो वेरी वेल, लेकिन हो जाएगा अगर मन में लगन है। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आपको सक्षम बनना है, आपको सक्सेसफुल होना है और आपको अपने मां बाप को सही ठहराना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने रिस्क लिया है और हाई रिस्क पे हो आप। मैंने क्या बोला आपको, आप हाई रिस्क पे चल रहे हो, बड़ा रिस्क लिया उन्होंने, नहीं तो चाहते तो आपको नहीं भी पढ़ाते। उनके मन में भय है, आज भी आप उनके दिल पे हाथ रख के देखना, जब आप घर से निकलते हो उनके मन में कितने प्रश्न चलते हैं, वो कितनी दिक्कत में होते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं बेटा तू पढ़ने जा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन वही लड़की अगर कोई गलत स्टेप लेती है, गलत काम करती है, तो ये मान लेना उसे शराब लग जाता है। और सबसे बड़ा शराब और सबसे बड़ा धर्म माँ बाप होते हैं, ये ध्यान रखना। अगर आपके मम्मी पापा खुश है ना, आप जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने अपने मम्मी पापा को अपनी वजह से दुखी करा, आप कभी खुश नहीं हो सकते। ये कोर्स क्या कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में, कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें जो खुश रखना है अपने मम्मी पापा को रखना है, आपको। मैं तो रख चुकी हूं, मैं तो उस चीज से बहुत ऊपर निकल चुकी हूं, बहुत आगे निकल चुकी, मैं एग्जाम्पल सेट कर चुकी, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी है। और आपको इस जिम्मेदारी बखूबी निभानी चाहिए। इसमें दो फायदे हैं, आपका अपना फायदा, अपना फायदा यू बिकम सक्सेसफुल, स्टैंड ऑन योर लेग्स, यस और नो। दूसरा फायदा आपके परिवार का फायदा, तीसरा फायदा समाज का फायदा, उस समाज से जहां से आप आए हो वहां से जो और लड़कियां हैं वो भी आपको देख के आगे बढ़ेंगी, यस और नो। उनकी भी हिम्मत होगी अपने मम्मी पापा से बोलने की, पापा देखो दीदी दिल्ली गई थी, आज देखो ऑडी में घूमती है, पापा देखो कितनी सेटल हो गई है। माँ बाप को भी विश्वास होता है, हाँ यार उनकी बच्ची गई देखो सेटल हो गई, वो भी एग्जाम्पल, यू बिकम, यू सेट एन एग्जाम्पल इन द सोसाइटी, यस और नो। ये चीज समझो बेटा, जितने पैसे आपको दिए जाते हैं उसका सही यूटिलाइजेशन करो, सही जगह यूटिलाइजेशन करो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा पढ़ो, लेकिन उस पैसे को गलत जगह, ये जो खोखो पे पैसे देते हैं ना, जहां सिगरेट पीते हैं, उन्हें मत दो प्लीज, उन्हें मत दो, कोई फायदा नहीं उन्हें। चाय पी लो, कॉफी पी लो, दूध पी लो, शेक पी लो, अच्छी आदतें डेवलप करो, अच्छी बॉडी बनाओ, जिम में जाओ, एक्सरसाइज करो, ये आदत डेवलप करो, फिटनेस बनाओ, बहुत अच्छा है। आप वो खाओ खूब शौक से, आप केले खाओ, प्रोटीन शेक पियो, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन ये जो 10 रुपए 20 रुपए लाइटर लेके जो घूमते हो सब बंद कर दो प्लीज, ठीक है। अब आगे देखिए, अगली बात सुनो, पहले मुझे गिनती से चैप्टर बताओ कौन कौन से हैं। सीबीएक 1992, दूसरा आईसीडीआर रेगुलेशंस, रेगुलेशंस कौन बनाती है, सेबी, पहला आईसीडीआर रेगुलेशन, दूसरा एलओडीआर रेगुलेशन, तीसरा इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को स्टॉप करने की रेगुलेशन। अब सुनो मेरी बात, हमने कहा जी हमारा देश आजाद हुआ, देश आजाद होने के बाद कहने लगे जी पहले जो इंतजाम किया जाएगा ना वो रोटी का, खाने पीने के सामान का, कि जी वो कैसे होगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई कॉन्सेप्ट। ये पीछे वाले बच्चे जरा ध्यान दीजिए भाई, मैं अभी जवान हूं और मेरी आंखें बड़ी तेज चलती है, पीछे तक नजर पहुंच जाती है, वो बात अलग है, 20-25 साल बाद मुझे धुंधला दिखने लगे चश्मे लगा के, लेकिन अभी मुझे बहुत सही दिखता है, बिना चश्मे के दिखता है। तो सुनो जरा, दिन में ही आंखों में धूल झोंकने की कोशिश ना की जाए, समझे बात को। अब सुनो मेरी बात, जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारी सरकार के सामने बड़ी समस्याएं थी। सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि बिजनेस के बारे में तो बाद में सोचेंगे, पहले देश की तरक्की के बारे में सोचो भाई साहब। तो उन्होंने कहा सबसे पहले इंतजाम करते हैं रोटी का, खाने पीने की वस्तु का। अब हमारे देश के अंदर क्या है कि जो हमारा क्षेत्रफल है, जो हमारी भूमि है, जो हमारी जमीन है, अलग अलग जगह अलग अलग चीजों के लिए फेमस है। जैसे कहीं पे ज्यादा अनाज होता है, कहीं ज्यादा आलू होते हैं, कहीं ज्यादा गेहूं होता है, कहीं ज्यादा गन्ना होता है। मान के चलिए हमने कहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी है, चीनी बनाई जाती है। मैं भी राहुल गांधी की कैटेगरी में आ जाऊंगी, चीनी बनाई जाती है फैक्ट्रीज में, ठीक है, और वो शुगर केन से बनती है। और सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है, सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग जो चीनी की होती है, पश्चिम उत्तर प्रदेश में होती है। और मान के चलिए आप J&K गए घूमने के लिए, अब J&K घूमने गए, आप दर्शन करने गए माता वैष्णो देवी, कटरा पहुंचे, वहां जाके आप बैठे चाय पीने बैठे, तो चाय में चीनी नहीं थी। आपने कहा भाई सब चीनी लाना कि शुगर लाता हूं, वो शुगर लेके आए 2 दाने,
कह रहा जी एक दाना 10 रुपए और जी दूसरा दाना भी 10 रुपए। आपने कहा मजाक कर रहा है यार, क्या मजाक है यार, ये चीनी तो पहले से ही डली होती। कह रहा जी हमारे यहाँ नहीं डली होती, क्यों? क्योंकि जी हमारे यहाँ पे चीनी मिलती है 500 रुपए किलो। समझ में आई मेरी बात? आप किसी और स्टेट में गए खाना खाने, वहां रोटी नहीं मिलती जी, एक रोटी है जी 500 रुपए की। क्या ऐसे हमारा देश चल पाएगा? इसके लिए हमारे देश में एक कानून बनाया गया बच्चों, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट कानून रहा, दैट इज द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। सबसे पहले 1955, फिर कहने लगे जी अगली चीज चलते हैं। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ने पता क्या बोला था? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटी एट अ फेयर एंड रीजनेबल प्राइस। मतलब हमारे देश में सभी को इसेंशियल कॉमोडिटीज क्या मिलनी चाहिए? फेयर एंड मार्केटेबल प्राइस, एक रीजनेबल प्राइस पे अवेलेबल होनी चाहिए, जिसमें आपकी आपके सुगर आती है, आपके गेहूं आते हैं, अनाज आते हैं ना, देखते ना आप राशन में भी कुछ इसेंशियल कॉमोडिटीज मिलती है। अब अगली बात सुनो, फिर उसके बाद कहने लगे कि थोड़ा बिजनेस पे भी ध्यान दिया जाए, कि हाँ बिल्कुल दिया जाए। तो चलो तो एक एक्ट पारित करता है, कौन सा? कंपनीज एक्ट 1956। कौन सा एक्ट जरा बताना? कंपनीज एक्ट 1956, पूरा इंग्लिश लॉ है उसकी, जो पेरेंट्स हैं कंपनीज एक्ट 1956 के भी इंग्लिश पेरेंट्स हैं, लेकिन फिर भी हमने अपना एक्ट बना लिया। फिर उसके बाद कहने लगे जी ये तो सब चीज ठीक हो रही है, लेकिन जब तक हमारे यहाँ पे व्यापार नहीं होगा, बिजनेस नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते बिना व्यापार के। क्यों बताइए? कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? कि बिना बिजनेस के, बिना व्यापार के हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, ये बात तय है। बताओ क्यों? अगर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ना हो, मैन्युफैक्चरिंग हब ना बने, तो हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। पर क्यों? सोच के बताओ। हाँ, आपने देखा हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वो खाना भी खाएगी, वो सामान भी यूज करेगी, कपड़े भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, सामान भी चाहिए, पदार्थ भी चाहिए, रिसोर्सेज भी चाहिए। जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग अपने देश में करेंगे, उतना कम इंपोर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा किस पे आधारित रहेंगे? इंपोर्ट पे। जो कमाएंगे सब उनको दे देंगे। आपने 11th क्लास में इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है कि अगर हम अपने इंडिया के अंदर सामान बना के बेचते हैं तो उसमें इनकम ज्यादा है, उससे क्या फायदा होता है? उससे हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यस और नो, होता है कि नहीं होता है? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे बिजनेस डेवलप होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जब मैन्युफैक्चरिंग होगी, व्यापार होगा, कॉर्पोरेट्स होंगे, फंड की रेज होगी, फंड इकट्ठा करेंगे, तो लिस्टेड कंपनीज भी होंगी, स्टॉक की ट्रेडिंग भी होगी। पहले हमारे यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज तरीका नहीं था ट्रेडिंग का, तो इन्होंने कई काम करते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंजेस थे ना पहले म्यूचुअली चलते थे, म्यूचुअली मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की तरह चलते थे। इन्होंने कहा भाई साहब इन्हें तमीज से लेके आओ, कॉर्पोरेट्स में कन्वर्ट करो, और उसे बोला जाता है कॉर्पोरेटाइजेशन। क्या बोला मैंने? एक बार बोल दो जोर से, कॉर्पोरेटाइजेशन। कि अब पुराने डर्रे पे काम नहीं कर सकते भाई साहब, यू जस्ट टू चेंज द ट्रेंड, क्योंकि अब हमारा देश जो है वो आजाद हो चुका है और आगे की तरफ बढ़ रहा है, पुराने तरीके से काम नहीं चलेगा। जितने स्टॉक एक्सचेंज है ना, इनको कंट्रोल करने की जरूरत है, कि कंट्रोल करने की जरूरत है बिल्कुल, कि अगर ये सही तरीके से काम नहीं करेंगे ना, इसे सस्पेंड करो, विदड्रॉ करो, इनको लाइसेंसिंग रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए। कि तो सर इसके लिए तो फिर एक काम करना पड़ेगा। कि क्या करना पड़ेगा? कि इसके लिए तो तुम्हें एक एक्ट पारित करना पड़ेगा, और उसका नाम रखा गया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। क्या बोला जरा बताना? सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। क्लियर? यू ऑल क्लियर? ये भी समझ में आ गया 1956 में क्यों आया? आगे चलते हैं। कहने लगे जी अब देश बदल रहा है, देश थोड़ा और आगे चल चुका है। आजकल आप आज से 5 साल पहले की बात बताते हो, जैसे सब्जी लेने गए, ठीक है, और सब्जी वाले से कहा भैया पेटीएम लोगे क्या? अरे पागल हो गए क्या, पेटीएम? हंसते थे ना पहले, क्या इस बात से हंसते थे? नहीं हंसते थे। आजकल तुम किसी को पैसे देने लगो और कहने लगो जी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तो वो स्कैनर दिखाता, इस पे दान दे दो, इस पे दान दे दो। ये सोर नो, मतलब अब हमारा देश जो है डिजिटल हो चुका है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज्यादा काम करते हैं। तो मुद्दा ये उठता है कि जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम सब काम करते, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? कि ट्रेडिंग तो बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब ट्रेडिंग कब करी जरा सुनो, ये आज की बात नहीं है। हुआ क्या कि 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसीज आई, तो इकोनॉमिक पॉलिसीज का एक मुद्दा था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑल ओवर वर्ल्ड इज वर्किंग एज अ सिंगल फैमिली, यस और नो? अब दूसरे देश के लोग इंडिया में अगर बिजनेस करने आएंगे और तुम पुराने ट्रेंड पे काम कर रहे हो, तो वह यहां एक मिनट सर्वाइव नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा हमें ना अब शेयर्स, अब सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में लेकर आनी पड़ेगी, और उसके बड़े बेनिफिट्स भी हैं। तो कहने लगे जी क्या करें, कि जो पूरा सिस्टम है ना हमारे देश का,
जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेडिंग कराएंगे, जैसे आपने देखा हमारा जो बैंक का ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक में पैसे जमा करते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सिक्योरिटीज भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड होती है और इसके लिए बनाया गया सिक्योरिटीज इसके लिए जो पूरी सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रेगुलेट करने के लिए डिपॉजिटरीज होती है। डिपॉजिटरी एक बैंक होता है, बैंक की तरह काम करता है, जैसे बैंक में कैश जमा करते हैं, कैश के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसी प्रकार से डिपॉजिटरीज में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप अगर शेयर खरीदते हो तो आपका अकाउंट उसकी वैल्यू से इंक्रीज होता है और नहीं तो क्या हो जाता है, बेचते हो तो डिक्रीज, तो उन्हें बोलते हैं डिपॉजिटरीज। क्या बोलते हैं? अभी तक हिंदुस्तान में दो ही डिपॉजिटरी है, एक NSDL है, दूसरी CDSL है। लेकिन डिपॉजिटरी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक कानून की जरूरत थी, एक एक्ट की जरूरत थी। इन्होंने कहा देखो अब धीरे धीरे हमें अपने यहाँ पे चेंजेस लाने हैं। इन द ईयर 1996 एक एक्ट पारित किया गया है जिसका नाम रखा गया डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। समझ में आई मेरी बात कि डिपॉजिटरीज से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ने लगे तो कहने लगे जी कंपनी को चलाने के लिए, जैसे मान के चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं कि एक्स लिमिटेड है। अब एक्स लिमिटेड है और एक्स लिमिटेड के ऊपर निगाहें दौड़ाई बैठी है वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड कहने लगी कि मुझे इसको जो है इसको कंट्रोल करना है, मुझे इसे क्या करना है, कंट्रोल करना है और अपने कंट्रोल में लेना है। इस कंपनी के बहुत सारे शेयर्स मार्केट में थे, ट्रेडिंग चल रही थी इसकी। इस कंपनी ने क्या किया, धीरे धीरे मार्केट से शेयर खरीदने शुरू करे, ठीक है, और करते करते सारे शेयर अपने कंट्रोल में कर लिए। और जब अपने सारे शेयर कंट्रोल में कर लिए तो एक्स लिमिटेड के मैनेजमेंट से गए कि क्या बाहर निकल, कि बाहर निकल, कि भाई साहब कंपनी तो हमारी है, कि तुम्हारी कंपनी नहीं है, कंट्रोल मेरे पास है। कैसे झटका लगेगा इस कंपनी को, बोलते भाई साहब पागल हो गए, क्योंकि देखिए ये शेयर सारे मेरे कंट्रोल में, बाहर से खरीद लिए मार्केट से, तो ये जो एक्स लिमिटेड को तो बड़ा झटका लगेगा, तो गलत हुआ ना एक्स लिमिटेड के साथ। तो यहां पे ये जो इसने वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को धोखे से अटैक किया है, पीछे से जो वार किया है, इसे होस्टाइल टेक ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और यहां पे सेबी कहती है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी, होस्टाइल टेक ओवर बैन है, होस्टाइल। तो कहने लगे जी टेक ओवर ही नहीं होगा, कि क्यों नहीं होगा, टेक ओवर होगा लेकिन फ्रेंडली टेक ओवर होगा। कैसा टेक ओवर होगा? और जब भी कभी टेक ओवर होगा, जब भी कभी एक कंपनी दूसरी कंपनी में कंट्रोल करेगी शेयर्स लेके या वोटिंग पावर से, तो फेयरली होगा। कि फेयरली कैसे, कि इस कंपनी के एक्स लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को अनाउंसमेंट करो, खुले में कहो कि हम आपके शेयर्स खरीदना चाहते हैं, प्राइस बताओ, फेयरली करो ना, कि फेयरली करो कि हाँ बिल्कुल। सेबी ने इसके लिए नियम बना दिए और स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि इंडिया के अंदर इस होस्टाइल मैनर में टेक ओवर हो ही नहीं सकता, और ये वाई लिमिटेड जो टेक ओवर करना चाहती है ना, इसके हाथ काट दिए। मैम हाथ काट दिए, मैम कैसी बात है, अगर हाथ काट दिए इसके, इससे कहा कि तेरा एक साल में अगर 5% से ज्यादा तू किसी कंपनी के शेयर एक्वायर करेगी ना, पब्लिक को बताना पड़ेगा, पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? अब पब्लिक अनाउंसमेंट होगा तो सबको पता चल जाएगा। दिस ऑल रेगुलेशंस व्हिच आर एप्लीकेबल टू द टेकओवर इज मेंशन इन अ सेपरेट रेगुलेशन दैट इज नोन एज टेकओवर रेगुलेशंस। क्या बोला मैंने जरा बताना? टेकओवर रेगुलेशन, ये भी आपको पढ़ना है। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर कॉन्सेप्ट्स एंड टेकओवर कॉन्सेप्ट। इसके अलावा बच्चों बायबैक, म्यूचुअल फंड, वेरियस चैप्टर्स हमारे यहां पे आए, लेकिन आई थिंक सो जितनी चर्चा, जितनी देर मैंने आपके साथ डिस्कशन करा, आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि हमारा सिलेबस क्या है और हमारा सिलेबस, अब तो मैं जो बोलूंगी आप वही हाँ बोलोगे क्योंकि आपकी जो है लिमिट पूरी होगी, है ना। तो इट मीन्स आपको ये बात तो समझ में आई होगी कि सिलेबस क्या है और सिलेबस क्यों है। लेकिन अगली बात सुनो बच्चों, अब अगला मुद्दा क्या है, अगला मुद्दा ये है कि हमें एक तो चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन चैप्टर्स अगर हमें एक लिमिट तक ही पढ़ने हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पर चैप्टर की जो वेटेज है उसके हिसाब से पढ़नी है। कैसे, जरा मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। मान के चलिए आप टेक ओवर चैप्टर को जब उठाओगे तो उसमें बोला जी एन ओवरव्यू ऑफ टेक ओवर। क्या बोला? एन ओवरव्यू ऑफ टेक ओवर। मुझे अपने कोई झंडे नहीं गाड़ने, मुझे किसी को कोई दिखावा नहीं करना, मैं किसी के रेस में नहीं हूं, मुझे पता है मैं सही हूं और ये सिर्फ मैं अपने लिए करती हूं, ना कि मैं बच्चों के लिए, क्योंकि मुझे जवाब देना है ऊपर वाले को और मैं उसे बहुत ज्यादा मानती हूं। मैं कभी भी ये नहीं सोचती, ये सोच के नहीं पढ़ाती कि इसमें किसी का क्या फायदा है या मेरा क्या फायदा है, मैं ये सोचती हूं कि मैं सही हूं तो सही हूं। आपके यहां पर अगर टेक ओवर
ओवरव्यू के रूप में दिया गया है तो ओवरव्यू के रूप में ही मैं पढ़ाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको फाइनल में जो टेक ओवर है उसको 2 महीने पढ़ा दो क्योंकि वहां वेटेज ज्यादा है। लेकिन अगर मैं ऐसा करने लगूं कि फाइनल को भी पढ़ा रही हूं और साथ में एग्जीक्यूटिव को चिपका लिया और बोला जी मैं तो 40 क्लास टेक ओवर पढ़ाती हूँ, मैं तो 25 क्लास टेक ओवर पढ़ाती हूँ, क्योंकि जो रेगुलेशन आपके यहाँ पर है ना एग्जीक्यूटिव में, ऐसी बात नहीं, मैंने भी सीएस क्वालिफाई किया, अभी भी मैं फाइनल को पढ़ाती हूँ, मुझे पता है कहाँ क्या कहानी है, फाइनल में भी ICTR रेगुलेशन है, उनको पढ़ाने के चक्कर में आपको पीस नहीं सकती। इसमें किसी को 100 क्लास में कोई टेक ओवर पढ़ाए, मैं तो कहती हूँ जो 500 क्लास में टेक ओवर पढ़ाए, 1000 क्लास में टेक ओवर पढ़ाए, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं आपको उसी तरीके से पढ़ाऊंगी जैसे मुझे सही लगेगा, जो इंस्टीट्यूट का ऑब्जेक्टिव है, इंस्टीट्यूट की वेटेज है, मैं किसी का ना तो पागल बनाऊंगी ना मुझे वाहवाही चाहिए, मुझे किसी से नहीं चाहिए, आई एम द बेस्ट इन द बेस्ट, आई नो आई एम द बेस्ट, दैट्स इट। मैं किसी को देख के नहीं पढ़ाऊंगी कि मुझे 30 क्लास में टेक ओवर पढ़ाना है जी, मुझे LODR रेगुलेशन 50 क्लास में पढ़ाना है जी, मैं फलाना पढ़ाऊंगी ढिकाना, मैं नहीं पढ़ाऊंगी, जिसको अच्छा लगे मुझसे पढ़े, जिसको अच्छा नहीं लगे बिल्कुल ना पढ़े, आई एम वेरी फ्री, क्योंकि मुझे इंस्टीट्यूट के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है। 90% बच्चे सिर्फ इस वजह से फेल होते हैं क्योंकि एग्जाम टाइम पे उसे यही नहीं समझ में आता मुझे पढ़ना कहां से है। इसके अलावा बच्चों मैं एक क्लास रखूंगी जिसमें जो आए हुए पेपर है उनका एनालिसिस करूंगी और जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए उनको बिठा के ये बताऊंगी कि ये बताइए इस पेपर में से कितना परसेंट पेपर तो ऐसा है जो बच्चा क्लास में ध्यान से भी पढ़ा है वो भी सॉल्व कर देगा। क्लास में जब पढ़ाती हूँ तो सबको पहली क्लास में ही बोलती हूँ बेटा डिविडेंड इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंड, सब बच्चों को यही बात पढ़ाती हूँ, उसी से क्वेश्चन आया। कितने सारे कुछ क्वेश्चन तो इतने सिली क्वेश्चंस हैं कि जो बच्चा क्लास में भी ढंग से पढ़ाओगे उससे भी सॉल्व हो जाएंगे। हाँ एक चीज है कि इंस्टीट्यूट का जैसे जैसे ट्रेंड चेंज हो रहा है हमें उस हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, रूट चेंज करना है, और थोड़ा सा मेहनत करनी है और थोड़ा सा एफर्ट्स लगाने, दैट्स इट। लेकिन डरने की जरूरत नहीं, आई एम ऑन द राइट ट्रैक, जो मेरे साथ बच्चे जुड़े हुए हैं वो राइट ट्रैक पे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है पास होना और वो हम होंगे, गॉट द पॉइंट, और अभी भी होंगे। इस अटेम्प्ट में भी जो बहुत सारे बच्चे पढ़ के गए हैं उन्हें खुद को फील नहीं है लेकिन वो पास होंगे, मुझे पता है क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए 1-2 साल नहीं हुआ, काफी साल हो गए, काफी अटेम्प्ट निकाले। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको एटीट्यूड जो है वो बहुत पॉजिटिव रखना होगा, चीजों को रटना कम है समझना ज्यादा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और शॉर्ट समरी तैयार करनी है। बिना शॉर्ट समरी के ना तो कोई कभी सीए बना ना कभी कोई सीएस बना। आपको लास्ट मोमेंट के लिए मटेरियल अच्छा रखना है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस का कोई ट्रेंड नहीं है, क्वेश्चन कहीं से कुछ भी आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ चीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है जो आ जाती है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारी रही है, अभी बेसिक क्लास नहीं है, ये सिर्फ थी जीरो बेसिक। इस सब्जेक्ट के अंदर कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, कुछ प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो भी कंसिडर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हमारी ये पहली क्लास थी। हाँ जी, लाइव वाले बच्चों अभी तक कोई प्रॉब्लम रही हो, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो मुझे बता सकते हो। ये जीरो बेसिक क्लास थी हमारी और जीरो बेसिक क्लास ऑटोमेटिक हमारी हो गई है पूरी। अगली क्लास बच्चों सुनिए, ध्यान दीजिए, अगली क्लास बेसिक क्लास होगी। अगली क्लास बेसिक क्लास का मतलब अगली क्लास में चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।